Good morning, friends. Let's start. Okay. So we are discussing chapter 4 and exemption. So हम लोग discuss कर रहे हैं chapter 4 and exemption from CGST, Central Goods and Service Tax. Section number, section 11 हम लोग discuss कर रहे हैं. इस section में हमको तीन subsection discuss करने थे. First, by notification. Second, by special order. And third, एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने की पावर दे रखी है उसके बारे में. फर्स्ट था बाय नोटिफिकेशन, एग्जम्पशन बाय नोटिफिकेशन. क्या कहा था? अगर जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करे और सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो जाती है कि पब्लिक इंटरेस्ट में किसी गुड्स या सर्विस को एग्जम्प्ट करना जरूरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इश्यू करेगी और उस गुड्स और उस सर्विस को सीजीएसटी से एग्जम्प्ट कर देगी. सीजीएसटी एग्जम्प्ट होगा, ऑब्वियसली साथ साथ एसजीएसटी भी एग्जम्प्शन होगा, एग्जम्प्ट होगा. ये एग्जम्प्शन पार्टली भी हो सकता है और फुली भी हो सकता है, क्लियर? बट ये जनरल एग्जम्प्शन होगा. हाँ, विद कंडीशन हो सकता है एंड विदाउट कंडीशन भी हो सकता है. और ये एग्जम्प्शन उस दिन से इफेक्ट होगा जिस दिन, जो दिन नोटिफिकेशन में दी गई हो. इट इज अ जनरल एग्जम्पशन. सेक्शन 11 सबसेक्शन पावर में जो जनरल एग्जम्पशन देने की पावर दे रखी है, गवर्नमेंट ने उस पावर को एक्सरसाइज किया, यूज किया और एक नोटिफिकेशन निकाला है. एंड दैट इज नोटिफिकेशन नंबर 12/2017. वैसे तो 11 सबसेक्शन 1 गुड्स एज वेल एज सर्विस दोनों को एग्जम्पशन की पावर देती है और गवर्नमेंट ने दोनों को एग्जम्प्ट भी किया है. बट गुड्स कौन कौन से एग्जम्प्ट है, ये लिस्ट हमारे इंटर लेवल में सिलेबस में नहीं दे रखी है. बट कुछ खास बात भी नहीं, नंबर ऑफ आइटम है और कहां ये एग्जम्प्ट है. हमको जो डिस्कस करना है वो है सर्विसेज के बारे में. तो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 100% एग्जम्पशन के बारे में बात करती है और टोटल 81 एंट्रीज दे रखी है. और ये 81 एंट्रीज या 81 सर्विसेज सीजीएसटी एज वेल एज एसजीएसटी दोनों से एग्जम्प्ट है, क्लियर? दूसरा एक सबसेक्शन और था 11-2 जो जनरल एग्जम्पशन नहीं है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में दिया जाता है. अगर जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो जाती है कि कोई एक्सेप्शनल नेचर के सर्कमस्टेंस है जिसकी वजह से जीएसटी से एग्जम्पशन देना जरूरी है, तो ऐसा एग्जम्पशन दे सकती है. याद रखना, एग्जम्पशन के लिए जो सर्कमस्टेंस एक्सेप्शनल नेचर की है वो सर्कमस्टेंस भी उस नोटिफिकेशन में मेंशन करनी पड़ेगी. 11 सबसेक्शन 3 एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है कि सबसेक्शन 1 में जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन इशू किया, सबसेक्शन 2 में जो ओरिजिनल स्पेशल ऑर्डर इशू किया, उसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में, उसके स्कोप के बारे में क्लियरिफाई करने के लिए गवर्नमेंट एक साल के अंदर एक फर्दर नोटिफिकेशन और इश्यू कर सकती है. और जो फर्दर नोटिफिकेशन आएगा वो ओरिजिनल नोटिफिकेशन या ओरिजिनल स्पेशल ऑर्डर का एक्सप्लेनेशन की तरह ट्रीट किया जाएगा और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से. दैट मींस जिस दिन वो ओरिजिनल नोटिफिकेशन या ओरिजिनल स्पेशल ऑर्डर आया था उस दिन से ये नया नोटिफिकेशन जो है इफेक्टिव माना जाएगा. दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, क्लियर?
हमें यहां जो डिस्कस करना है वो हम डिस्कस कर रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 जहां टोटल हमको 11 एग्जम्पशंस के बारे में बात 81 एग्जम्पशंस के बारे में हम लोगों को बात करनी है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किए थे इस तरीके से। फर्स्ट क्लास में हमने सर्विसेज बाय रजिस्टर्ड ट्रस्ट रजिस्टर्ड एंटिटी तब मैंने कहा था एंट्री वन वाला एग्जम्पशन कब मिलेगा जब सप्लायर एक ऐसी एंटिटी हो जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड हो प्लस वो चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रही है तो एग्जम्पशन मिलेगा। एंड व्हाट इज चैरिटेबल एक्टिविटी हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। दूसरा था अगर कोई गोइंग कंसर्न ट्रांसफर की जाती है फॉर एग्जाम्पल पूरा का पूरा यूनिट पूरा का पूरा फैक्ट्री इट इज ऑल्सो एग्जम्प्ट। क्लियर। फिर थर्ड फोर और फाइव एक जैसी बातें करी गई थी जहां हमने बात करी थी पॉइंट नंबर थर्ड क्या कहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने म्यूनिसिपलिटी और पंचायत को भी कुछ फंक्शंस दे रखे हैं काम दे रखे हैं और ऐसे काम के रेस्पेक्ट में अगर कोई एक्टिविटी की जाती है जहां किसी भी तरह का गुड्स इन्वॉल्व नहीं है एंड दैट इज एग्जम्प्टेड। तब मैंने कहा था मान लो सड़क रोड बनाना ब्रिज बनाना डैम बनाना वाटर पाइपलाइन लगाना ये किसका काम है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ये म्यूनिसिपलिटी और पंचायत का काम है। अब इन एक्टिविटी के रेस्पेक्ट में अगर हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं दैट इज एग्जम्प्टेड। तो एग्जम्पशन नंबर थर्ड में सप्लायर कौन है हम और सर्विस लेने वाले कौन है म्यूनिसिपलिटी पंचायत। फोर और फिफ्थ क्या था सर्विस देने वाली कौन है पंचायत और म्यूनिसिपलिटी और सर्विस कौन ले रहे हैं हम। तब मैंने कहा था अगेन म्यूनिसिपलिटी और पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ फंक्शन दे रखे हैं और जब वो फंक्शन परफॉर्म करती है फॉर एग्जाम्पल लैंड रेवेन्यू लैंड यूज चेंज करना अप्रूवल्स वगैरह देना या और कोई काम करना दैट इज ऑल्सो एग्जम्प्ट। तो सर्विस देने वाला कौन है इसमें पंचायत और म्यूनिसिपलिटी सर्विस लेने वाला कौन है हम तो एग्जम्प्ट है। ये हमने फर्स्ट एग्जम्प्शन वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने पिछली क्लास में गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में बहुत सारी बातें करी थी जिसमें हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट एंट्री नंबर 6 से और एंट्री नंबर 6 में मैंने आपको कहा था सर्विसेज बाय गवर्नमेंट दैट मींस गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है तो इस एग्जम्पशन की हम लोग बात करेंगे। हम गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं तो जो इतने सारे एग्जम्पशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे वो अप्लाई नहीं होंगे। हम सर्विस दे रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस ले रही है तो ये सारे एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होंगे जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसका मतलब टैक्सेबल होंगे। हाँ और कोई एग्जम्पशन अप्लाई हो जाए तो और बात है पर प्रीवियस लेक्चर वाले एग्जम्पशन अप्लाई कब होंगे जब सप्लायर कौन है हर केस के अंदर गवर्नमेंट और रिसिपिएंट कौन है हम लोग। जिसमें फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था क्या वैसे तो गवर्नमेंट कोई भी सर्विसेज दे ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज क्या है एग्जम्प्ट बट हमने डिस्कस किया था 4 एक्सेप्शन है कौन कौन से। तो हमने कहा था सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्विस इन रिलेशन टू वेसल्स और एयरक्राफ्ट बाय पोर्ट अथॉरिटी या एयरपोर्ट अथॉरिटी सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर और एनी अदर सर्विसेज बट किसको दी गई हो टू बिजनेस एंटिटी। तब कहा था पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज कब टैक्सेबल होगी व्हेन टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड कि सर्विस लेने वाला कौन है नॉन गवर्नमेंट प्लस सर्विस कौन सी है वो 4 कौन सी स्पीड पोस्ट पार्सल लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी जिसमें बहुत सारी बातें हो सकती है।
दूसरी टैक्सेबल वेसल्स और एयरक्राफ्ट, पोर्ट और एयरपोर्ट अथॉरिटी। थर्ड था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, फॉर एग्जाम्पल रेलवे, रोडवेज की बसेज एक्सेट्रा। एंड फिफ्थ था इन तीन के अलावा कोई भी सर्विस, पर सर्विस लेने वाला कौन हो, बिजनेस एंटिटी। फिर हमने कुछ और एग्जम्पशन डिस्कस किए, क्या डिस्कस किया था, दो, एक तो था स्मॉल बिजनेसमैन और एक था स्मॉल सर्विस। क्या कहा था, अगर बिजनेस एंटिटी सर्विस ले रही है और उसके लास्ट ईयर का टर्नओवर 20 लाख और 11th स्टेट में 10 लाख से कम है, तो करंट ईयर में गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज देगी क्या है, एक्सेप्ट ऑल सर्विसेज। बट मान लो लास्ट ईयर का टर्नओवर 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा है तो ये एग्जम्पशन तो मिलेगा नहीं। तो एक एग्जम्पशन और है कि गवर्नमेंट जो स्मॉल नेचर की सर्विसेज देती है, जहां पर सर्विस कंसिडरेशन 5,000 या उससे कम चार्ज किया जाता है, दैट इज ऑल्सो एग्जम्प्ट। तब मैंने कहा था कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस में 5,000 की लिमिट पर फाइनेंशियल ईयर है, क्लियर। और कहा था दोनों ही केस में ये 6 एंट्री वाली ये एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब भले ही आप इस एग्जम्पशन 20 लाख वाले एग्जम्पशन के लिए क्वालिफाइड हो, आप स्मॉल सर्विस वाले एग्जम्पशन के लिए क्वालिफाइड हो, बट ये एग्जम्पशन पोस्ट ऑफिस, वेसल्स, एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पर अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब भले ही आप इसके लिए एलिजिबल हो, इसके लिए भी एलिजिबल हो, लेकिन ये तीन सर्विसेज पर तो आपको जीएसटी देनी ही पड़ेगी, या आपको किसी भी तरह का कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, क्लियर। बट थोड़ा सा आपको यहां ध्यान रखना था, पेज नंबर 75 के ऊपर था, तब मैंने कहा था कि पॉइंट ये जो 20 लाख वाला है इसमें तो ये तीन ही है, और आप नेक्स्ट चेक करोगे पेज नंबर 76 के ऊपर, सॉरी पेज नंबर 75 के ऊपर ही दोनों है, पेज नंबर 74 पे हेडिंग चल रही है जो 75 पर जा रही है, तो जो 20 लाख वाली है और ये, इन दोनों में पोस्ट ऑफिस, वेसल, एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्टेशन तो है, बट थोड़ा अंडरलाइन कर देना, शायद कल कहने से रह गया था कि 20 लाख वाली सर्विस में एक और दे रखा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पर देना, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर भी 20 लाख वाला एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होगा। तो भले आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 20 लाख से कम था और करंट ईयर में आपने गवर्नमेंट से कोई प्रॉपर्टी किराए पर ली है, आपको जीएसटी देनी पड़ेगी, क्लियर। लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको सिर्फ 3 एग्जम्पशन ही दे रखे थे। तो मैंने कहा था वैसे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन तो 5,000 से ज्यादा ही होगा, तो दे भी देते तब भी इफेक्ट आता नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था एंट्री नंबर 41, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं, पेज नंबर 85 पे 81, तब क्या कहा था, अगर स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को कोई इंडस्ट्रियल लैंड 30 साल या 30 साल से ज्यादा पीरियड के लिए लीज पर देता है तो इसे भी एग्जम्प्ट किया गया है, बट सिर्फ कौन सा पार्ट, जो वन टाइम इनिशियल पेमेंट होता है वो, जो एनुअल पेमेंट किया जाएगा, पीरियडिकली पेमेंट किया जाएगा, उस पर एग्जम्पशन नहीं है, क्लियर। उसके बाद था 42, टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस के लिए हमको क्या खरीदना पड़ गया, स्पेक्ट्रम्स, बट एग्जम्पशन कब मिलेगा, जब आपको स्पेक्ट्रम कब मिले हो, अप्रैल 2016 से पहले। तो अप्रैल 2016 से पहले आपने गवर्नमेंट से स्पेक्ट्रम्स खरीद लिए थे, पेमेंट कब कर रहे हो, वो तो आप करते रहोगे हर महीने हर साल फ्यूचर में भी। तो अगर 2016 से पहले गवर्नमेंट ने आपको अलॉटमेंट कर दिए थे तो आप जीएसटी से टैक्स फ्री हो हमेशा के लिए। बट मैंने कहा था अभी अभी टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस स्टार्ट करना है, अभी मैंने गवर्नमेंट से स्पेक्ट्रम खरीदे है, इस पर एग्जम्पशन नहीं। एग्जम्पशन केवल तब जब 2016 से पहले स्पेक्ट्रम खरीद चुके थे और उसके रेस्पेक्ट में आप
इस साल, अगले साल, अगले साल और फ्यूचर में पेमेंट करते रहोगे तो एग्जम्पशन है। क्लियर? सो 41, 42, उसके बाद था 60, 61। ओके 61, तब मैंने कहा था पांच सर्टिफिकेट, दैट इज पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट, ये भी जीएसटी से एग्जम्प्ट है। तो आपको सिर्फ इन सर्विसेज का पैसा देना है, प्लस जीएसटी पे नहीं करनी है। मैंने कहा था दिया है कोई नुकसान नहीं, बट मुझे नहीं लगता अगर ये न भी हो तो भी ये सर्विस एग्जम्प्ट होगी, क्योंकि यहाँ सर्विस लेने वाला अदर देन बिजनेस एंटिटी है। क्लियर? तो तीन के अलावा बाकी सर्विसेज टैक्सेबल कब होती है? जब सर्विस लेने वाली बिजनेस एंटिटी हो, और ये पांच जो सर्टिफिकेट है बिजनेस एंटिटी के लिए नहीं है, पर्सनल नेचर के है। नेक्स्ट 62 था टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। तब मैंने क्या कहा था कि जब आप गवर्नमेंट, आप वॉयलेशन ऑफ लॉ करते हो और गवर्नमेंट आपसे फाइन लेती है, तो सिर्फ फाइन का पैसा लेंगी, उस पर जीएसटी चार्जेबल नहीं होगी। और कहा था लिक्विडेटेड चार्जेस। लिक्विडेटेड चार्जेस का मतलब क्या कहा था? आप और गवर्नमेंट के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है फर्स्ट, उस रिटर्न एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन भी दे रखी होगी, आप उस टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करोगे तो गवर्नमेंट आपसे क्या लेगी? पेनल्टी। और उस पेनल्टी का अमाउंट भी कहां दे रखा हो? रिटर्न एग्रीमेंट में। तो ऐसी पेनल्टी के लिए टर्म यूज की जाती है लिक्विडेटेड चार्जेस। सिर्फ गवर्नमेंट लिक्विडेटेड चार्जेस लेगी, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करेगी। फिर एक था नेचुरल रिसोर्सेस। क्या कहा था? हमारी कंट्री के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है, वॉटरशेड, माइन, स्पेक्ट्रम, ये वो सब, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है। गवर्नमेंट आपको अगर ये नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने के लिए देगी तो आपसे पैसा लेगी, सर्विस है, बड़ी सर्विस एग्जम्प्ट है। पर हर कोई एग्जम्प्ट नहीं है, कुछ एग्जम्पशन है। तो जो एग्जम्पशन है मैं डिस्कस कर लेता हूं, बची भी टैक्सेबल है। क्लियर? और दूसरा मैंने कहा था नेचुरल रिसोर्सेज के केस में एक तो इनिशियल पेमेंट होता है, वन टाइम पेमेंट, चाहे तो एक साथ चाहे तो इंस्टॉलमेंट में, बट है क्या? वन टाइम। और एक होता है पीरियोडिकली पेमेंट, मंथली, क्वार्टरली, एनुअल फी। क्लियर? ना एग्जम्पशन कब मिलेगा? जब नेचुरल रिसोर्सेस आप किसी इंडिविजुअल फार्मर को दे रहे हो फॉर कल्टीवेशन, एग्जम्प्ट है, चाहे 2016 से पहले हो चाहे 2016 के बाद हो, चाहे वन टाइम पेमेंट हो चाहे पीरियोडिकल पेमेंट हो। बट अगर अदर कोई नेचुरल रिसोर्सेज है तो एग्जम्पशन कब मिलेगा? जब 2016 से पहले दिए गए हो, और वो भी वन टाइम जो पेमेंट होता है उस पर। इसका मतलब 2016 के बाद तो न तो वन टाइम पर एग्जम्पशन, न पीरियडिकल पेमेंट पर एग्जम्पशन। 2016 से पहले है तो वन टाइम के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी, लेकिन जो एनुअल पीरियडिकल पेमेंट कर रहे हो मंथली, उस पर जीएसटी चार्जेबल होगी। क्लियर? और एक था एमओटी चार्जेस। तब मैंने कहा था इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में कि आपका जो गुड्स है, कंटेनर कहां पड़ा है? एयर पोर्ट के ऊपर, कस्टम स्टेशन पर। क्लियर? और वो जो आपका कंटेनर है उसकी लोडिंग, अनलोडिंग, क्लियर, स्टफिंग, ये सब कहां होगी? वर्किंग आवर्स में होती है और वर्किंग डेज पर होती है। बट आपको जल्दी है, आपने एयरपोर्ट पोर्ट अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करी, यार वर्किंग डेज के बाद भी मेरा काम करो, आज पब्लिक हॉलीडे, आज मेरा काम करो, वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेगी, और उस एक्स्ट्रा चार्जेस को बोलते हैं एमओटी। आपको सिर्फ एक्स्ट्रा चार्जेस एमओटी पे करनी है, एमओटी के ऊपर जीएसटी पे नहीं करनी है। क्लियर फ्रेंड्स? देखिए आप लोग, अभी तक जो मैंने आपको 5-10 मिनट पढ़ाया है फ्रेंड्स, ये मैंने फास्ट लिया था। क्यों? लास्ट क्लास के अंदर बहुत डिटेल में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। रिवीजन सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ताकि आप वापस इस चैप्टर के अंदर एंटर हो जाओ, ठीक है? अब हम नए फ्रेश एग्जम्पशन और डिस्कस करेंगे, तो आप एकदम रेडी रहिए, वन बाय वन हम एग्जम्पशन डिस्कस करेंगे।
सो नोटिफिकेशन नंबर जो है वो 12 ही चल रहा है और वो अभी काफी समय चलेगा, ठीक है। सो मैं आपके सामने ले रहा हूं नेक्स्ट एग्जम्पशन। एक एग्जम्पशन मैं आपके और ले लेता हूं, पहले वो गवर्नमेंट का था, कल रह गया था आई थिंक एग्जम्पशन नंबर 47 था शायद, कल वाले में आप ऐड कर देना, कल रह गया था वो। यस 47 पेज नंबर 87 उस पर एग्जम्पशन नंबर 47 एंट्री 47 में पढ़ रहा हूं, कल वाले में आप ऐड कर देना गवर्नमेंट वाले में एंट्री 47। क्लियर? पहले मैं पढ़ रहा हूं फिर लिख रहा हूं। सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, वो तो हम पहले से बात करी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ, तो दो बातें यहां दे रखी है। फर्स्ट, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स एंड टेस्टिंग कैलिब्रेशन सेफ्टी स्टॉक सेफ्टी चेक और सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ वर्कर कंज्यूमर पब्लिक एट लार्ज इंक्लूडिंग फायर लाइसेंस रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। तो मैं ऐसे कह सकता हूं एंट्री के लिए सर्विस बाई गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ, क्लियर, अंडर एनी लॉ। और उसमें दो पॉइंट यहां दे रखे हैं, ए हेडिंग इसमें दे रखा है रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, सो रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ, क्लियर। और दूसरा आप चाहे तो कंप्लीट लिख देना, एंड दैट इज टेस्टिंग कैलिब्रेशन एक्सेट्रा अंडर एनी लॉ। ना पॉइंट क्या हुआ, दो तरह का एग्जम्पशन है, रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ, अगर किसी लॉ में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है तो आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करनी पड़ेगी। आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी पे करोगे, उसके ऊपर आपको जीएसटी पे नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको कंपनी लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है तो आरओसी को पेमेंट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, क्लियर। किसके लिए आरओसी को फी पे करनी पड़ेगी, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो मान लो आरओसी की फीस 50,000 रुपए है, आप ओनली 50,000 रुपए देंगे, न कि 50,000 प्लस जीएसटी एग्जेम्प्टेड। आपको जीएसटी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, ओनली रजिस्ट्रेशन का पेमेंट लगेगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं। तो अगर किसी लॉ के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है तो ओनली आपको रजिस्ट्रेशन के चार्जेस देने हैं, न कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस प्लस उसके ऊपर जीएसटी, जीएसटी एक्सेम्प्ट है। क्लियर? बिकॉज ये भी तो सर्विस ही है कि गवर्नमेंट आपको रजिस्ट्रेशन करने की सर्विसेज दे रही है, इट इज ऑल्सो सर्विस। दूसरा आपको दे रखा है टेस्टिंग कैलिब्रेशन सेफ्टी चेक सर्टिफिकेशन एक्सेट्रा, क्या मतलब हुआ, देखिए आप ये बात तो क्लियर है कि आपकी फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी एक इंपॉर्टेंट चीज है, कंज्यूमर उनकी भी प्रोटेक्शन एक इंपॉर्टेंट चीज है, पब्लिक उनकी सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है। तो वर्कर कंज्यूमर पब्लिक उनके प्रोटेक्शन के लिए उनकी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने कई रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं और कह रखा है कि आपको ये टेस्टिंग करवानी पड़ेगी, ये कैलिब्रेशन, ये आपको सेफ्टी चेक रखना पड़ेगा, इसी तरह के आपको सर्टिफिकेट भी लेने पड़ेंगे जिसके लिए गवर्नमेंट चार्जेस लेती है, ओनली चार्जेस लेगी, उसके ऊपर जीएसटी चार्जेबल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन ना हो इसके लिए आपको व्हीकल के लिए सर्टिफिकेट लेना पड़ता है पॉल्यूशन कंट्रोल का, क्लियर। मान लीजिए उसके 50 रुपए लग गए, ओनली 50 रुपए दोगे, न कि 50 रुपए प्लस जीएसटी। आ रही बात समझ में, क्लियर। सो पब्लिक वर्कर कंज्यूमर के प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए जो जो टेस्टिंग जो जो कैलिब्रेशन जो जो सेफ्टी चेक या उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट किसी लॉ में लेना जरूरी है कंपलसरी है,
जिसके लिए गवर्नमेंट पेमेंट लेती है आपसे, तो ओनली चार्जेस लेगी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लेगी। क्लियर? तो कल हमने जो पॉइंट डिस्कस किए थे उसके अंदर आप एक एंट्री 47 और ऐड कर दो। आप चाहे तो कल सीरियल नंबर था 6, 7, 9, 41, 42, 47 और ऐड कर दो। उसके बाद 61, 62, 63, 64, 65 हमने डिस्कस किया था। करीब करीब हम डिस्कस कर चुके हैं गवर्नमेंट जो सर्विसेज देती है उसपे जो एग्जम्पशन है। क्लियर? आप इसको अच्छे से लिखो, मैं नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, ओके। सो बाय गवर्नमेंट हमने डिस्कस किया है, मैं देखो ये जो सीक्वेंस दे रखी है ना एंट्री, ये तो जो नोटिफिकेशन ओरिजिनल है उसकी है। मैं इसलिए इसको इधर उधर कर रहा हूं ताकि एक जैसे पॉइंट एक जगह हो, समझना थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि 81 हेडिंग्स डिस्कस करनी है जिसमें कुछ तो चलो रीडिंग है, बाकी तो सब एक्सप्लेन करना है, तो अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने हेडिंग चेंज करी है। तो अभी जो मैंने हेड लिया था सर्विस बाय गवर्नमेंट था, एक और है सर्विस बाय गवर्नमेंट, पॉइंट नंबर 8। सो पेज नंबर 75, आई थिंक 75। सो पेज नंबर 75 पर एक एंट्री मैं ले रहा हूं, एंट्री नंबर 8 एंड इट इज सर्विसेज by government to government। क्लियर? हर केस में हम डिस्कस कर रहे हैं दो पार्टी है, सप्लायर और recipient। तो अब तक जो हमने डिस्कस किया, अब तक क्या हो रहा था, सप्लायर कौन थी गवर्नमेंट और recipient कौन थे हम नॉन गवर्नमेंट। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर सप्लायर भी कौन है गवर्नमेंट और रिसिपिएंट भी कौन है गवर्नमेंट, तो एक बार कह सकते हो ऑल सर्विसेज आर एग्जम्प्ट। हर सर्विस क्या है एग्जम्प्ट, बट साथ में दे रखा एक्सेप्ट कौन सी, वही 6A, B और C, दैट मींस पोस्ट ऑफिस, वेसल्स और एयरक्राफ्ट, एंड थर्ड था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। क्लियर? अब मैं पढ़ रहा हूं क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 8, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन अथॉरिटी, टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी इज एग्जम्प्ट। हाउएवर नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री, और ये एंट्री अच्छी है एग्जम्पशन की है, बट नथिंग कंटेन इस एंट्री में कुछ भी लिखा हुआ अप्लाई नहीं होगा, टैक्सेबल होगा, शैल अप्लाई टू सर्विस रेफर टू इन 6ABC। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट सर्विस दे रही है और गवर्नमेंट ही सर्विस ले रही है, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को सर्विस दी, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विसेज दी, दैट इज एग्जम्प्ट एक्सेप्ट फोर। इसका मतलब ये चार टैक्सेबल होगी। मान लीजिए पोस्ट ऑफिस ने सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विसेज दी, पोस्ट ऑफिस ने किसी स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को सर्विस दी, टैक्सेबल होगी। क्यों? अगर यही सर्विस गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से लेना जाए तो जीएसटी लगेगी ना, तो यहां पर भी लगेगी।
फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, राजस्थान गवर्नमेंट को कुछ गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाना था, उसने रेलवे की सर्विसेज ली, तो सर्विस देने वाली कौन थी? गवर्नमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट। सर्विस लेने वाला कौन है? राजस्थान गवर्नमेंट। टैक्सेबल होगा, जीएसटी लगेगी, क्योंकि ये तीन केसेस के अंदर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू द एग्जम्पशन, टैक्सेबल होगा। पर अगेन ध्यान में रखना, इसके अंदर भी जो है, अगर मैं डिस्कस करूं रेंटिंग, जो हर जगह चल रहा है ना, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये यहां कवर नहीं है। इसका मतलब ये तीन के ऊपर तो जीएसटी लगेगी, बट ये अभी भी क्या चलेगा? एग्जम्प्ट। क्यों? एक्सेप्शन ओनली ए, बी और सी, ये डी नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली के गवर्नमेंट के पास में एक स्टेडियम है, दिल्ली गवर्नमेंट के पास में स्टेडियम है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरनेशनल योगा दिवस मनाना है, उसने वो स्टेडियम रेंट पर लिया दो दिन के लिए, सो इट इज अ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या जीएसटी लगेगी? देखो, सर्विस देने वाली कौन? दिल्ली की गवर्नमेंट। सर्विस लेने वाली कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। नेचर ऑफ सर्विस क्या? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज एग्जम्प्ट, नहीं लगेगी जीएसटी। क्यों? ये तीन के अलावा कोई भी सर्विस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या है? एग्जम्प्ट। बट अगर पोस्ट ऑफिस की हो, वेसल पोर्ट एयरपोर्ट ऑथोरिटी की हो, गुड्स या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हो, जीएसटी चार्जेबल होके। तो याद रखना, सिर्फ 20 लाख वाला जो एग्जम्पशन था बिजनेस एंटिटी का, वहां पे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी था, यहां पर नहीं है। क्लियर? तो अब तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो भी क्या था? सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, ये भी है बाय गवर्नमेंट, पर ये बाय गवर्नमेंट के साथ साथ टू गवर्नमेंट भी है, पर है तो एक ही पैटर्न का सेक्शन, एक साथ ले लिया। ठीक है, लिखो आप इसको। तो ये ध्यान रखना, ये वाली सर्विस एग्जम्प्ट होगी, क्योंकि इन तीन के अलावा सब क्या है? एग्जम्प्ट। लिखो, ओके, सो हमने गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में सारा डिस्कशन किया। याद रखना, जितने भी हमने पॉइंट डिस्कस किए थे, सब जगह बाई गवर्नमेंट था। अगर टू गवर्नमेंट था तो इतने एग्जम्पशन में से कोई अप्लाई नहीं होगा, बट ये मत सोचना कि टैक्सेबल होगा, क्या पता कोई दूसरा एग्जम्पशन आ जाए। अभी तो बहुत सारे एग्जम्पशन पढ़ने हैं हमको। ठीक है, नेक्स्ट मैं ले रहा हूं, बहुत ज्यादा मैं नहीं कह सकता हूं, ये वो इंपॉर्टेंट है, बट मुझे लेना पड़ेगा एंट्री नंबर 10 और 11। एंट्री 10 एंड एंट्री 11, और दोनों की अगर हम लोग बात करें तो यहां बात कर रहे हैं लेबर सर्विस, प्योर लेबर सर्विस, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट और लेबर सर्विस। अब देखिए, इस ट्रांजेक्शन को समझने के लिए थोड़ा सोचो, लेबर सप्लाई इज ऑल्सो सर्विस, पता है आपको?
मार्केट में कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, उनका काम ही क्या, लेबर सप्लाई करना, लेबर सप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको अपना मकान बनाना है, हाउस, और आपको 8 लेबर की जरूरत है, आप कहां लेबर को ढूंढोगे? आज 8 लेबर पकड़ के आए, कल भाग जाएंगे, तो आपके लिए मुश्किल है। तो मार्केट में ऐसे कॉन्ट्रैक्टर है जिनके पास एक लेबर फोर्स है। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास 200 लेबर की टीम है, आपको 8 लेबर चाहिए, आप उस कॉन्ट्रैक्टर के पास जाओ, कहो कि मेरे पास 8 लेबर भेजना, और आप पेमेंट किसको करना, कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर अपने आप अपनी लेबर फोर्स को पेमेंट करता रहेगा। तो वो कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है जिसके पास 200 लेबर है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पर्सन हूं, मेरे पास 200 लेबर की एक टीम है, जिन जिन लोगों को लेबर की जरूरत पड़ती है मैं उन्हें लेबर सप्लाई करता हूं। तो कुछ पैसा तो मैं वापस से लेबर को उनकी सैलरी दे दूंगा, और कुछ मैं अपना मार्जिन रख दूंगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने लेबर सप्लाई करने का काम किया है, एंड इट इज ऑल्सो सर्विस। जीएसटी लगेगी, बट एग्जम्पशन दे रखा है दो जगह, एक जगह दे रखा है एंट्री 10 और दूसरा दे रखा है एंट्री 11। क्लियर? इतना ज्यादा इसको रखने का जरूरत नहीं। एंट्री 10 के अंदर एक गवर्नमेंट की स्कीम है, क्या दे रखा है इसको, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द हाउसिंग, फॉर ऑल हाउसिंग, फॉर ऑल अर्बन मिशन और प्रधान मंत्री आवास योजना। ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है, इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट मकान बना के दे रही है। क्लियर? तो अगर गवर्नमेंट की इस स्कीम में हमने प्योर लेबर सप्लाई करने का काम किया है तो एग्जम्प्ट है। मान लीजिए इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट 1000 मकान बनाकर दे रही है, तो क्या उन मकान को बनाने के लिए लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। गवर्नमेंट को भी तकलीफ होगी, लेबर कहां से लाए? तो गवर्नमेंट हमसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि मेरे यहां 50 लेबर भेजो, 100 लेबर भेजो, 150 लेबर भेजो। तो मैंने क्या किया, लेबर सप्लाई करने का काम किया है, दैट इज एक्सेप्ट। बट प्योर लेबर का मतलब किसी तरह का मैं मटेरियल नहीं दे रहा हूं, ओनली लेबर सप्लाई करने का काम कर रहा हूं। मान लीजिए गवर्नमेंट 1000 फ्लैट मकान बनाकर दे रही है, और उसमें गवर्नमेंट ने मुझे एक छोटा सा काम दिया कि ये टाइल्स लगा देना आप 10 मकान के अंदर, और मैं आपको इसके लिए 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं, टाइल्स लगाने का 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट। तो 15 लाख में मुझे क्या करना है, टाइल्स भी खरीदनी है, मटेरियल भी खरीदना है, लेबर भी इकट्ठे करने हैं, लेबर यूज करना है, और टाइल्स बिछा कर देनी है। ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्योर लेबर नहीं, साथ में मटेरियल भी है। कौन सी सर्विस एग्जम्प्ट होगी? ओनली लेबर सप्लाई करने का काम। क्लियर? तो मैंने गवर्नमेंट के लिए फॉर एग्जाम्पल 150 लेबर सप्लाई किए, क्योंकि गवर्नमेंट इस स्कीम में लोगों के लिए मकान बना रही है। गवर्नमेंट ने मुझे 40 लाख का पेमेंट किया, खूब दिन काम किया मेरे वर्कर ने, 40 लाख में से 30 लाख तो मैंने मेरे वर्कर को पेमेंट कर दिया, उनको भी तो सैलरी देनी पड़ेगी, 10 लाख मैंने कमा लिया। होते ऐसे लोग कमाते? तो ये लेबर सप्लाई क्या है, एक्सेप्ट। क्लियर? दूसरा एक और दे रखा है, चलो मैं पहला पढ़ लेता हूं, पेज नंबर 76। फर्स्ट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ अंडरलाइन प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, अल्टरेशन ऑफ ए सिविल स्ट्रक्चर और एनी अदर ओरिजिनल वर्क पर्टेनिंग टू बेनिफिशियरी लीड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन एनहेंसमेंट अंडर हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन और पंचायत मंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इतना सब मत पढ़ो, क्या होता है ओरिजिनल डेफिनेशन, ओरिजिनल वर्क क्या, ये मीनिंग वगैरह आपको काम की जरूरत नहीं, पढ़ना चाहो तो समझ में आ जाएगा। सिंपल सा, इस स्कीम के अंदर जो लेबर सप्लाई, दैट इज एक्सेप्ट। क्लियर? दूसरा दे रखा है एंट्री 11, क्या लिखा है, सर्विस बाय वे ऑफ प्योर लेबर टू अ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट। मैं पढ़ रहा हूं पहले, सर्विस बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट
of construction, erection, commissioning, installation of original work pertaining to a single residential unit, otherwise than a part of residential complex. भाई मुझे मकान में रहना बनाना है, मुझे अपना मकान बनाना है, तो दो तरीके, एक तो मैं अपना इंडिपेंडेंट हाउस बनाऊं, अपना बंगला, दूसरा एक बिल्डिंग के अंदर, एक कॉम्प्लेक्स के अंदर एक फ्लैट खरीद लूं. पर दोनों कंस्ट्रक्शन में लेबर की तो जरूरत पड़ेगी. ये एग्जम्पशन किसको दिया गया है? सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, अदरवाइज देन ए पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स. इसका मतलब मैं जो अपना इंडिविजुअल मकान बना रहा हूं, जिसके लिए मैंने 8 लेबर मांगे हैं, ये प्योर लेबर सभी से एग्जम्प्ट होगी. पर मान लो एक बिल्डर है, 50 फ्लैट देगा, सब रेजिडेंशियल फ्लैट है, रेजिडेंशियल यूनिट है, 50 लोगों को दे देगा, उसको भी तो लेबर की जरूरत पड़ेगी, उसका एग्जम्पशन नहीं है, उस पर जीएसटी लगेगी, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है वो. क्लियर? तो मैं कह सकता हूं एंट्री वन क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट है तो क्या है, एग्जम्पशन. ये भी क्या है, एग्जम्पशन. बट अगर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक से ज्यादा, देन नो एग्जम्पशन, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगी, नो एग्जम्पशन. मतलब क्या हुआ, एक बिल्डर था, 100 फ्लैट बनाने थे, लेबर की जरूरत थी, लेबर इधर उधर भाग रहे थे, जो इकट्ठा करता भाग जाते, परेशान हो गया लेबर से, वो मेरे पास आया कि मिस्टर सुनील जैन, तुम एक कॉन्ट्रैक्टर हो, तुम्हारे पास 200 लेबर है, मेरे को मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, 80 लेबर मेरे यहां भेजो. मैंने भेज दिया 80 लेबर, पैसा ले लिया, क्या जीएसटी लगेगी? यस, क्योंकि ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लिए था. पर आप मेरे यहां आए कि यार मुझे अपना मकान बनाना है, 8 लेबर भेज दो, मैंने भेज दिए, तो क्या मेरे और आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैं लेबर सप्लाई करूंगा और आप मुझे पैसा दोगे, क्या जीएसटी लगेगी? नहीं. क्लियर? सो दो पॉइंट और है, लेबर सप्लाई. सो लेबर सप्लाई इज ऑल्सो अ सर्विस, इट इज सर्विस इंडस्ट्री, और बहुत बड़ी सर्विस है ये. लिखिए आप इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूंगा, बट पढ़ेंगे तो सही. ओके फ्रेंड्स, ओके, सो 10 और 11 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ, 13 एंड 14. सो नेक्स्ट जो मैं एंट्री ले रहा हूं, एंट्री 12, 13 एंड एंट्री नंबर 14. नॉर्मली मैं बात करूं तो ये किसी ना किसी रेंटिंग के बारे में बात कर रही है, रेंटिंग सर्विस, एक तरीके से मैं कह सकता हूं रेंटिंग सर्विस है. क्लियर? ये इसलिए मैंने ग्रुप बनाए हैं ताकि आपके लिए याद रखना इजी हो जाए. क्लियर? तो तीन पॉइंट मुझे लेने हैं. फर्स्ट जैसे मैं ले रहा हूं एंट्री नंबर 12, और एंट्री नंबर 12 की हेडिंग है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग. ड्वेलिंग का मतलब हाउस. रेंटिंग ऑफ
residential dwelling. Dwelling means house. Clear? एक और हम डिस्कस करेंगे एंट्री नंबर 13, दैट इज दो पॉइंट हो गए यहां, मैं दो एक साथ ही ले लूंगा, चलो यहां ले लेते पहले. रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रेजिडेंशियल हाउस. देखिए आप, हमारे पास एक रेजिडेंशियल हाउस है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हमने ये इमूवेबल प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स को सेल कर दी, क्या जीएसटी लगेगी? नहीं, बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट अ गुड्स, जीएसटी तो नहीं लगेगी. बट मैंने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को किराए पर दी है रहने के लिए, ये तो सर्विस की डेफिनेशन में आएगी, जीएसटी लगेगी. बट इसे जीएसटी से एग्जम्प्ट कर रखा है व्हेन टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड. तो क्या रखा है कि एग्जम्प्शन कब मिलेगा? व्हेन टू कंडीशन. फर्स्ट, नेचर वाइज वो क्या होना चाहिए, हेडिंग से भी क्लियर हो रहा है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, नेचर वाइज इट शुड बी अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, प्लस आपने जो रेंट पर दिया है ना यूज करने के लिए, यूज या पर्पस, वो भी क्या होना चाहिए, रेजिडेंशियल. तो अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, यस, रेजिडेंशियल पर्पस है, यस, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक रेजिडेंशियल हाउस है, मैंने उसको किसी को किराए पर दे दिया और वो उसमें हॉस्टल चला रहा है, हॉस्टल चला रहा है, क्या मुझे एग्जम्पशन मिलेगा? नहीं. भले प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, पर्पस तो क्या है, कमर्शियल. या फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक होटल है, होटल, गेस्ट हाउस, कमर्शियल प्रॉपर्टी है और मैं लोगों को रहने के लिए देता हूं, क्या एग्जम्पशन मिलेगा? अगेन नहीं. क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी पर्पस भले रेजिडेंशियल है, बट प्रॉपर्टी नेचर वाइज तो क्या है, कमर्शियल. तो ये एग्जम्पशन लेने के लिए क्या चाहिए, नेचर वाइज प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, प्लस रेजिडेंशियल पर्पस भी हो. सो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्लस रेजिडेंशियल पर्पस इज इक्वल टू एग्जम्पशन. That means, जो आप अपने मकान लोगों को रहने के लिए किराए पर देते हो, उन पर जीएसटी चार्जेबल नहीं होगी. लेकिन आप अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देते हो कमर्शियल पर्पस के लिए, जीएसटी लगेगी. क्लियर? तो रेंटिंग इज अ सर्विस, बट एग्जम्पशन कब मिलेगा? फर्स्ट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्लस रेजिडेंशियल पर्पस. क्लियर यहां तक का? ठीक है, एक तो ये है. दूसरा, एंट्री नंबर 13 है ना, इसको मैंने इसलिए उसमें लिखते लिखते छोड़ दिया था क्योंकि इसमें सिर्फ रेंटिंग नहीं है, दो बातें हैं, पर मैं साथ में इसको ले लेता हूं. एंट्री नंबर 13, एंट्री नंबर 13 में दो एक्टिविटी है, दो सर्विसेस हैं. एक की मैं हेडिंग ले रहा हूं, सर्विस बाय वे ऑफ, बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्टिंग ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी. ये तो कोई रेंटिंग नहीं है. और दूसरी जो है वो रेंटिंग है, रेंटिंग ऑफ प्रिसिनिट्स ऑफ ए रिलीजियस प्लेस, रिलीजियस प्लेस. क्लियर? और ये रिलीजियस प्लेस जो है, इट शुड बी, और लिख लेते हैं, ओन और मैनेज्ड बाय, इसमें तीन पॉइंट दे रखे हैं जिसमें आपको ध्यान में रखना है, ट्रस्ट और रजिस्टर्ड ट्रस्ट. नेक्स्ट पेज पे आप जा सकते हैं.
बाय एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ट्रस्ट, तो ट्रस्ट या एंटिटी कुछ भी ले सकते हो, वैसे ट्रस्ट ही होता ही है, एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA, क्लियर। प्लस दे रखा है ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 10 एंड बॉडी और अथॉरिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 10। मैं पूरा समझाता हूं। एंट्री नंबर 13, दो एग्जम्पशन दे रखे हैं, कंडक्टिंग ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, रिलीजियस सेरेमनी दैट मीन्स ये जो धार्मिक रिलीजियस नेचर की जो सेरेमनी इवेंट वगैरह हमारे घर में होते हैं, बर्थ के समय होते हैं, मैरिज के समय होते हैं, डेथ के समय होते हैं, और सबके हिंदू के मुस्लिम के सबके होते हैं, ये सारी सर्विसेज एग्जम्प्ट है। जैसे हम हमारी बात करें तो हमारे कोई भी काम होता पंडित की जरूरत पड़ती है, किसी बच्चे का बर्थ हुआ हो, मकान का मुहूर्त हुआ हो, मैरिज हुई हो, डेथ हुई हो, पुजारी की तो जरूरत पड़ेगी, हम उसको पैसा भी देंगे दक्षिणा, दैट इज एक्सेप्टेड। इसी तरीके हम लोग मुस्लिम्स की बात करें तो वहां आई थिंक मौलवी होते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्ट। तो किसी भी कर तरह की रिलीजियस सेरेमनी जो होती है दैट इज एक्सेप्ट। जो पंडित मौलवी जो काम कर रहे हैं, सपोज उनके लिए उनको पैसा भी मिल रहा है, उसके ऊपर जीएसटी चार्जेबल नहीं होगी, सिंपल। तो रेंटिंग से इसका लिंक नहीं है। 13 का जो बी पार्ट है ये रेंटिंग से, रेंटिंग ऑफ प्रीसीडेंट्स ऑफ ए रिलीजियस प्लेस, रिलीजियस प्लेस फॉर एग्जांपल एक टेंपल है, और प्रीसीडेंट्स का मतलब क्या होता है, जो होता है ना उसकी पूरा चार दीवारी कह सकते हो, उसकी सीमा कह सकते हो, उसका दायरा कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये टेम्पल है, तो टेम्पल तो इतना सा है, इसके आसपास तो बहुत बड़ी बाउंड्री होती है, पूरा एरिया किसका है, तो ये टेम्पल भी उस ट्रस्ट का है, पूरा एरिया भी ट्रस्ट का है, और कई बार इसको किराए पर दिया जाता है, किराए पर दिया जाता है मैरिज पर्पस के लिए, किसी और फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी पर ये किराए पर दी जाती है, ये भी एग्जम्प्ट है। बट कंडीशन क्या है, ये प्रॉपर्टी जो है उसको मैनेज कर रहा है या उसकी ओनरशिप किसके पास है, किसी ऐसी एंटिटी के पास जो इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट, और कह सकते हो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस अंडर सेक्शन 10। अब मैं पढ़ रहा हूं, ढंग से सुनना। सर्विस बाय अ पर्सन, पेज नंबर 76, सर्विस बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्टिंग ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, आप लिख दो फॉर एग्जाम्पल पंडित मौलवी एक्सेट्रा, उनकी सर्विसेज एग्जाम्पल है धार्मिक। सेकेंड, सर्विस बाई अ पर्सन बाई वे ऑफ रेंटिंग ऑफ प्रीसीडेंट्स ऑफ ए रिलीजियस प्लेस, मीन फॉर जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए, ओन्ड और मैनेज बाई अ एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर एज ए रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर सेक्शन 12AA, और दैट प्रॉपर्टी इज ओन बाई अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 1023C, इनकम टैक्स में पढ़ोगे आप, और ए बॉडी और अथॉरिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 1023BB है। नॉर्मली आप कह सकते हो कि अगर कोई रिलीजियस प्लेस है जो किराए पर दिया जा रहा है, तो ये रेंटिंग वाली सर्विस एग्जम्प्ट है, प्रोवाइडेड वो रिलीजियस प्लेस ओन और मैनेज बाय ए रजिस्टर्ड ट्रस्ट होना चाहिए, क्लियर। बट साथ में क्या रखा है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब नो एग्जम्प्शन, नो एग्जम्प्शन। ये इससे पहले है ना, जीएसटी तो अभी आई है, उससे पहले सर्विस टैक्स था, वहां इस तरह के एक्सेप्शन नहीं थे। तीन एक्सेप्शन दे रखा है, इसका मतलब तीनों केस में क्या जीएसटी लगेगी, यस। फॉर एग्जांपल आप देखते ही है, जैसे हमारे राजस्थान में एक नाकोड़ा ट्रस्ट भी है, ट्रस्ट है, टेंपल है, खूब सारे लंबी चौड़ी वहां प्रॉपर्टी है, किराए पर दी जाती है, हर जगह होती है। तो अगर किसी को मैरिज वगैरह करनी है तो नॉर्मली 2 या 3 दिन के लिए किराए पर लेता है, एक तो वो सारे रूम्स किराए पर ले लेता है, और दूसरा जो वो कम्युनिटी हॉल पूरा होता है जहां पे सारे फंक्शंस किए जाएंगे, बड़ा हॉल, वो भी किराए पर ले लिया जाता है। और तीसरी अगर हम बात करें, ऐसे ट्रस्ट के पास नॉर्मली कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी होती है, जो छोटी छोटी शॉप बना देते आसपास,
उसको भी किराए पर दी जाती है। क्लियर? तो कह रहे हैं अगर छोटा किराया मिल रहा है तो एग्जम, एक अमाउंट से ज्यादा किराया चार्ज करोगे तो हम एग्जम्पशन नहीं देंगे। तीन एक्सेप्शन है, जैसे फर्स्ट रेंटिंग ऑफ रूम वेयर चार्जेस आर 1000 रुपीज और मोर पर डे। मान लीजिए ट्रस्ट किराया रूम किराए पर दे रही है और उस रूम का कितना चार्जेस लेती है 1000 रुपए पर डे या उससे ज्यादा, तो एग्जम्पशन नहीं, जीएसटी देनी पड़ेगी, भले ही ये ट्रस्ट है रिलीजियस पर्पस वाला। या रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडलम और ओपन एरिया, कुल मिला के जो बड़ा हॉल या गार्डन किराए पर दे दिया, एंड लाइक वेयर चार्जेस 10,000 या उससे ज्यादा पर डे है, तो एग्जम्पशन होगा। आपने पूरा का पूरा ओपन एरिया भी किराए पर ले लिया, एक हॉल किराए पर ले लिया, 9,000 रुपए एक दिन का है, कोई बात नहीं जीएसटी मत देना, 11,000 रुपए जीएसटी लगेगी। और रेंटिंग ऑफ शॉप्स एंड अदर स्पेसेस फॉर बिजनेस एंड कॉमर्स वेयर चार्जेस 10,000 या पर मंथ उससे ज्यादा है, तो पहला तो पर डे 1,000 है क्योंकि मैरिज सब 1-2-3 दिन, ये जो हॉल वगैरह है गार्डन वगैरह है 10,000 रुपए या उससे ज्यादा पर डे है, पर शॉप तो ये तो परमानेंट बेसिस पे सालों साल वहां शॉप पड़ी रहेगी, हर महीने किराया देना पड़ेगा, तो किराया 10,000 या उससे ज्यादा पर मंथ है तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। क्लियर? तो क्या डिस्कस किया, एक तो रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करने वाले पर्सन को एग्जम्पशन दिया गया है, तो सप्लायर कौन है, पुजारी फॉर एग्जाम्पल मौलवी। दूसरा, अगर कोई रिलीजियस प्लेस है किराए पर दिया जाता है एग्जम्पशन होगा, दो बातें ध्यान रखना, वो रिलीजियस प्लस किसी रजिस्टर्ड एंटिटी की ओन या मैनेज हो, और दूसरा पर डे रूम किराया 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो। अगर कोई ओपन एरिया कम्युनिटी हॉल 10,000 रुपए पर डे से ज्यादा नहीं हो, या कमर्शियल शॉप है 10,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा ना हो, क्योंकि इससे ज्यादा होगा तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले ऐसा नहीं था जीएसटी में स्पेशल ये लिमिट वाले लिए, पहले तो एब्सोल्युटली एग्जम्पशन था। क्लियर? दो, एंड तीसरा, अगर स्पेस मिल जाएगा तो मैं पूरा लिख दूंगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है यहां लिखने में, एंट्री 14, तीनों रेंटिंग के बारे में है, और एंट्री 14 जो है होटल सर्विसेस, होटल सर्विसेस। क्लियर? होटल भी तो क्या किराए पे तो है, वो आपको रूम किराए पर देती है, ये कोई ये होटल्स वगैरह नहीं है, ये ट्रस्ट है होटल नॉर्मली। क्लियर? तो ये भी क्या होटल आपको 1-2-4 दिन के लिए रूम किराए पर देती है, आपको पेमेंट कर देती है। क्या लिखा है, सर्विस बाई होटल इन गेस्ट हाउस क्लब कैंपेसाइड, सब एक ही बात है, होटल ही है, बाई वॉट एवर नेम कॉल्ड फॉर रेजिडेंशियल एंड लॉजिंग पर्पज, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैविंग डिक्लेयर टैरिफ ऑफ अ यूनिट और ऑफ अकोमोडेशन दैट इज पर रूम किराया 1,000 रुपए पर डे या उससे कम है, तो होटल में कब आपको एग्जम्पशन मिलेगा, व्हेन डिक्लेयर्ड टैरिफ जो है वो कितना है 1,000 रुपीज पर डे, बिलो 1,000 पर डे, सो बिलो या लेस देन लिख लेता हूं, लेस देन 1,000 रुपीज पर डे, तो आपको क्या मिलेगा एग्जम्पशन। मैं इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट आपको ले रहा हूं, ढंग से समझना। देखिए आप लोग, होटल सर्विस एग्जम्पशन कब मिलेगा, वेन जो होटल है वो नॉर्मल होटल है, 3-star, 4-star, 5-star होटल में आप जाते हो, जब पर डे चार्जेस आपसे 1,000 रुपए या उससे ज्यादा लिए जाते तो नहीं, वो नॉर्मल होटल, उसके रेस्पेक्ट में कहा है कि जीएसटी नहीं लगाएंगे, जहां मेरे जैसे गरीब लोग जाते हैं, आप जैसे अमीर लोग जाते हैं जहां का किराया बहुत ज्यादा है, किराया भी दो जीएसटी भी दो। क्लियर? सो होटल सर्विसेज डिक्लेयर टैरिफ पर डे 1,000 रुपए से कम है तो एग्जम्पशन है। अब कुछ चीजें याद रखना, कंपेयर किससे करना है, डिक्लेयर टैरिफ से। मैं आगे इसकी डेफिनेशन आपको कहीं और दे दूंगा, यहां रहने नोट्स में लिखने से रह गई है। डिक्लेयर टैरिफ का मतलब क्या होता है आपको मालूम है,
आप जब होटल में जाते हो, रिसेप्शन के ऊपर आपको एक प्रिंटेड पेपर दे दिया जाता है कि डिलेक्स रूम का इतना, इस रूम का किराया इतना, इस रूम का किराया इतना। उस पेपर के ऊपर जो प्रिंटेड है ना, दैट इज कॉल्ड डिक्लेयर टैरिफ। अगर आप सीजन में जा रहे हो तो आपसे पूरा रुपया ले लेगा, लेकिन ऑफ सीजन में पूरी होटल खाली पड़ी है तो बोलेगा मेरे एक रूम का किराया तो जो तू ले रहा है वो 2000 रुपए है, लेकिन मैं तेरे को 40% 50% 60% 70% डिस्काउंट दे रहा हूं। आपको डिस्काउंट का इफेक्ट नहीं देना है। डिक्लेयर टैरिफ का मतलब होता है बिफोर डिस्काउंट वैल्यू, बिफोर डिस्काउंट। थोड़ा देखना यार, लिखने में हर चीज ऊपर नीचे हो गया। डिक्लेयर टैरिफ का मतलब हो गया बिफोर डिस्काउंट प्राइस। क्लियर? मान लीजिए प्रिंटेड प्राइस कितनी है उसके ऊपर, प्रिंटेड प्राइस फॉर एग्जांपल उसने कहा 2000 रुपए, आप ऑफ सीजन में गए, आपको उसने डिस्काउंट कितना दे दिया 60%, तो आपसे चार्ज कितना करेगा, चार्जेस कितना लेगा एक्चुअल में आपसे चार्जेस कितना लेगा, 40% 800 रुपए। एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं? एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, नो एग्जम्पशन। क्यों? एग्जम्पशन मिलना या नहीं मिलना इस बात पे डिपेंड करता है कि डिक्लेयर टैरिफ कितना है, न कि एक्चुअल चार्जेस। डिक्लेयर टैरिफ कितना है, 1000 रुपए या उससे ज्यादा, भले ही 60% डिस्काउंट देने के बाद आपसे लिया कितना है 800, वो 800 प्लस जीएसटी चार्ज करेगा। आप वहां नहीं कह सकते यार 1000 रुपए उससे कम है क्यों जीएसटी दूं, नहीं, डिक्लेयर टैरिफ कितना है। तो डिक्लेयर टैरिफ का मतलब होता है एक पॉइंट बिफोर डिस्काउंट। पर याद रखना, जब जीएसटी कैलकुलेट करोगे ना, वो फिर एक्चुअल अमाउंट पे होगा, वो तो 800 पे कैलकुलेट करें। मान लो जीएसटी की रेट फॉर एग्जांपल 10% है, तो आप 10% 2000 का नहीं दोगे, आप जीएसटी किसका दोगे, एक्चुअल कंसिडरेशन 800 का। तो दो अलग अलग बात है। एग्जम्पशन मिलेगा या नहीं डिपेंड करता है बिफोर डिस्काउंट वैल्यू पर, और अगर वो वैल्यू ही 1000 या उससे कम आ रही है, मान लीजिए डिक्लेयर टैरिफ ही फॉर एग्जांपल 800 रुपए है, 500 रुपए का ही रूम है, मेरे जैसा तो 500 में जाता है, उसके बाद में भी डिस्काउंट और ले लेता है 50% ले 250 रुपए, एग्जम्प्ट है। पर कंपेयर किससे किया, 250 से नहीं 500 से। आप गए 2000 का रूम लिया, 60% डिस्काउंट लिया, 800 रुपए पर डे दे रहे हो, पर जीएसटी देना पड़ेगा, लेकिन किस पर, 800 रुपए पर। That means exemption मिलना या नहीं मिलना, ये तो डिपेंड करेगा बिफोर डिस्काउंट वैल्यू पर, क्योंकि बिफोर डिस्काउंट वैल्यू 1000 रुपए या उससे ज्यादा है, exemption नहीं मिला, जीएसटी देनी पड़ेगी, वो एक्चुअल अमाउंट पर कैलकुलेट की जाएगी 800 पर। एक तो ये याद रखना, दूसरी ये बात और ध्यान रखना कि डिक्लेयर्ड कंसिडरेशन, डिक्लेयर टैरिफ के अंदर, डिक्लेयर टैरिफ में आप लिख देना ऑल अमाउंट शामिल किए जाएंगे। आपको उस रूम के अंदर जितनी भी फैसिलिटी दी जा रही है उसका सारा, फॉर एग्जांपल आपको रूम के अंदर एसी दिया, फ्रिज दिया, है ना, और कई अलग अलग फैसिलिटीज दी जा रही है, वो सारा इंक्लूड करके कहा जाएगा डिक्लेयर टैरिफ। हो सकता है कोई ऐसा होटल कहे कि मेरे इस रूम का डिक्लेयर टैरिफ तो 900 रुपए है, बट क्योंकि मैंने एसी लगा रखा है, फ्रिज लगा रखा है, टीवी लगा रखा है, बेड लगा रखा है, उसका 300 रुपया और लूंगा। क्या जीएसटी लगे, क्या ये एग्जम्पशन मिलेगा या नहीं, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि डिक्लेयर टैरिफ 800 नहीं 1100 रुपए माना जाएगा। तो उस रूम के अंदर जितनी भी आपको सर्विसेज दी जाएगी, जिसके लिए जो पैसा लिया जाएगा, वो सारा डिक्लेयर टैरिफ का पार्ट माना जाएगा। अच्छी बात है कि खराब, खराब बात है, एग्जम्पशन हम डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। क्लियर? तो दो बातें, डिक्लेयर टैरिफ
बिफोर डिस्काउंट वैल्यू होगी। प्लस डिक्लेयर टैरिफ में वो सारे चार्जेस शामिल किए जाएंगे जो उस रूम में आप जिन जिन फैसिलिटी को एंजॉय कर रहे हो के लिए आपसे लिए जा रहे हैं। और वो अमाउंट अगर 1000 रुपए या उससे ज्यादा है तो आप एग्जम्पशन नहीं ले पाओगे, अदरवाइज एग्जम्पशन मिलेगा। जब एग्जम्पशन मिल गया तो कैलकुलेशन की बात ही नहीं। लेकिन अगर टैक्सेबल हुआ क्योंकि एग्जम्पशन नहीं मिला, कैलकुलेशन किस पे होगी? एक्चुअल पेमेंट जो आपने उस होटल को किया है। क्लियर? सो हमने सर्विसेज के बारे, रेंटिंग के बारे में 3 पॉइंट डिस्कस किए। फर्स्ट, अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किराए पर दी जाती है, एग्जाम कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। दूसरा, अगर कोई रिलीजियस प्लेस जो किसी ट्रस्ट ओन ट्रस्ट मैनेज्ड है, किराए पर दिया जाता है, एग्जम्प्ट है। पर याद रखना, अगर उस रूम का पर डे चार्जेस 1000 या उससे ज्यादा है तो एग्जम्प्शन नहीं। हॉल का पर डे चार्जेस 10,000 या उससे ज्यादा है तो एग्जम्प्शन नहीं। कमर्शियल शॉप का किराया 10,000 पर मंथ या उससे ज्यादा है तो एग्जम्प्शन नहीं। क्लियर? होटल पे जीएसटी लगेगी या नहीं, होटल सर्विसेज जीएसटी लगेगी या नहीं, ये डिपेंड करेगा होटल का डिक्लेयर्ड टैरिफ कितना है, एक्चुअल नहीं चेक किया जाएगा। हाँ, कैलकुलेशन एक्चुअल पे की जाएगी। और डिक्लेयर टैरिफ में दो बातें हैं, बिफोर डिस्काउंट वैल्यू एंड प्लस चार्जेस फॉर ऑल फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन दैट रूम शैल बी इंक्लूडेड, प्लस किया जाएगा एंड देन डिक्लेयर टैरिफ कैलकुलेट होगा। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो चीजों को ध्यान रखेंगे आप, मेरे भी है, आगे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब आप इसे अच्छे से नोट करिए। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में कई बार हो जाता है क्योंकि नहीं पता चलता कि कितना स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा आप देख लेना। मैं बहुत पास में से आके देख रहा हूं स्क्रीन को, स्क्रीन के ऊपर तो सारा आ रहा है, कोई इशू नहीं है।
ओके ठीक है। ठीक है ओके। सो हमने तीन पॉइंट रेंटिंग सर्विसेज के बारे में डिस्कस किए हैं, और भी बातें करेंगे इस बारे में हम। नेक्स्ट जो सर्विसेज हम लोग लेंगे एंड दैट इज हम कुछ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के बारे में बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ऑफ में लिख लेता हूं, चलो आइदर गुड पैसेंजर और गुड्स, क्लियर। और ये जो सर्विसेज रहेगी उसकी एंट्री जो स्टार्ट होगी वो एंट्री स्टार्ट होगी 15 से लेके एंट्री 22 तक। दैट मीन्स हमको बहुत सारे एग्जम्पशन डिस्कस करने हैं, एग्जम्पशन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ऐसे बहुत सारे एग्जम्पशन पढ़ने हैं। क्लियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप एक बात रिकॉल करो, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, तब मैंने क्या कहा था, All services, almost all services provided by government are exempt, but चार taxable थी, post office, port or airport authority, और third था transportation of goods or passenger। इसका मतलब वहां मैंने क्या कहा था, government सारी services जो भी दे रही है सब exempt है, चार को छोड़ के। इसका मतलब ये चार तो taxable है, और चार में थर्ड नंबर कौन था, ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब एंट्री नंबर 6 ने, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट ने यह कहा था कि हम तो आपको एग्जम्पशन नहीं देंगे, तो एंट्री नंबर 6 ने तो एग्जम्पशन देने से मना कर दिया। पर मैंने कहा था इतने सारे एग्जम्पशन हैं, 81, और कोई एग्जम्पशन आ जाए तो अच्छी बात है, क्लियर। तो एंट्री नंबर 6 ने मना कर दिया है, गवर्नमेंट तुम्हारी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस चाहे गुड्स की हो चाहे पैसेंजर हो जीएसटी लगेगी, हम तो एग्जम्प्ट नहीं करेंगे, एंट्री नंबर 6 ने मना कर दिया है। बट हो सकता है इनमें से कोई आ जाए 15, 16, 17, 21, 22 तक, तो एग्जम्प्शन मिलेगा, क्लियर। तो ये जो हम एग्जम्प्शन पढ़ रहे हैं ये गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइडर हो, सप्लायर हो या नॉन गवर्नमेंट सप्लायर हो, दोनों के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर यहां तक का। पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। एंट्री नंबर आपको याद नहीं रखनी, मैंने पहले आपको कह दिया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, जिसमें मैं आपको सबसे पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं एंट्री नंबर 15, क्लियर। एंट्री नंबर 15 जो आपको मिल रही है पेज नंबर 77 पर, पेज नंबर 77, तीन पॉइंट दे रखे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट एकॉम्पनीड बिलोंगिंग्स। ट्रांसपोर्ट पैसेंजर सर्विस की बात हो रही है, चाहे सामान साथ में लेके जाओ या खाली हाथ जाओ, विदाउट सामान बाई, फर्स्ट दे रखा है बाई एयर। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाई एयर, इसका मतलब फ्लाइट से बात हो रही है, बाई एयर इम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन एन एयरपोर्ट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और एट बगडोरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। इसका मतलब कुछ स्टेट कुछ लोकेशन दे रखी है,
अगर इन स्टेट के अंदर आपका एयरपोर्ट है ना, तो एग्जम्पशन मिलेगा। मतलब क्या हो रहा है, ए में ये कहा जा रहा है हम बाई एयर एग्जम्पशन तो दे रहे हैं, बट सबको नहीं, कुछ सेलेक्टेड स्टेट में। इसका मतलब दो में से कोई एक पॉइंट, अरे जब आप फ्लाइट पे चलोगे, एक तो पॉइंट क्या होगा, इम्बार्किंग स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और कहीं ना कहीं जाके आप रुकोगे भी तो सही, या हवा में चलते रहोगे, टर्मिनेट भी तो होगा। क्या रखा है, अगर बाई एयर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और ये जो 6-7 जगह दे रखी है, स्टेट दे रखे है, अगर या तो आप वहां से स्टार्ट कर रहे हो और या वहां से एंड कर रहे हो, दोनों में से कोई एक पॉइंट भी है, तो जीएसटी नहीं लगेगी, ये एग्जम्पशन अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर एक स्टेट दे रखा है, फर्स्ट मान लो अरुणाचल प्रदेश, लेकिन राजस्थान तो नहीं है। तो मान लो मैंने राजस्थान से शुरू किया और अरुणाचल प्रदेश में गया, तो भी एग्जम्पशन है, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं तो क्या हुआ, टर्मिनेटिंग पॉइंट तो है। या अरुणाचल प्रदेश से कोई फ्लाइट ली और राजस्थान में एंट्री मारी, तो भी एग्जम्पशन है, स्टार्टिंग पॉइंट तो था इसमें से, दो में से कोई एक पॉइंट हो। लेकिन यहां पर जगह में न तो राजस्थान है और न ही गुजरात है, मैंने राजस्थान से फ्लाइट पकड़ी और गुजरात में जाके रुक गया, दोनों में से दोनों पॉइंट, कोई भी पॉइंट इन जगह में नहीं आ रहे हैं, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, जीएसटी लगेगी। तो बाई एयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एग्जम्पशन है, बट सेलेक्टेड मैनर में है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा जो एग्जम्पशन दे रखा है, ये आपको दे रखा है नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, मैं पहले कॉन्ट्रैक्ट कैरिज लिख लेता हूं, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज। आपको इसकी डेफिनेशन याद करने की अभी जरूरत नहीं, आगे आएगी तब बता दूंगा। नॉर्मली आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का मतलब कोई भी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल हो, एक बार आप यह समझ जाओ बस, कोई भी ऐसा व्हीकल जिसमें पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे उसकी कैपेसिटी कितनी भी हो, चाहे उसमें 4 पैसेंजर बैठे चाहे 40 पैसेंजर बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार आप कह दो कोई भी व्हीकल क्या कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, एक बार आप मान लो। मैं पढ़ रहा हूं, ढंग से सुनना, एग्जम्पशन कब मिलेगा, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज अदर देन रेडियो टैक्सी। रेडियो टैक्सी के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था, जब मैंने ई कॉमर्स ऑपरेटर समझाया था, रेडियो टैक्सी का मतलब ये ओला है, कुबेर है, क्लियर, जहां पे GPRS सिस्टम लगा होता है, दैट इज कॉल्ड रेडियो टैक्सी। क्या लिखा, अदर देन रेडियो टैक्सी, इसका मतलब रेडियो टैक्सी पर एग्जम्पशन नहीं है। आप जब कोई कैब बुक कराते हो, आपके घर पे आ जाती है 8 मिनट 10 मिनट के अंदर, आप देखना जब आप उसको पेमेंट करोगे, साथ साथ में आप उसको GST भी पे करोगे, क्योंकि उसके ऊपर एग्जम्पशन नहीं है, नो एग्जम्पशन। सो नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, बट और का एक्सक्लूडिंग टूरिज्म, कंडक्ट टूर, चार्टर और हायर, इन 4 केसेस में भी एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं आपको, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में सबसे पहले तो आप ले लो रेडियो टैक्सी, रेडियो टैक्सी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपने कैब बुक करा दी, इतनी सारी कंपनियों की चल रही है, क्या आपको एग्जम्पशन मिलेगा, नो एग्जम्पशन। वैसे तो ये सब एसी होती है, चल लिख लेता हूं फिर भी, वेदर एसी और नॉन एसी, इसका तो एग्जम्पशन मिलना ही नहीं है, बात ही खत्म। बट अदर अगर मैं बात करूं तो एग्जम्पशन कब मिलता है, जब नॉन एसी हो। तो मान लीजिए एक रेडियो टैक्सी के अलावा कोई कॉन्ट्रैक्ट कैरिज है, कार है, बस है, कुछ भी है, एयर कंडीशन है, नो एग्जम्पशन, जीएसटी लगेगी, क्योंकि एग्जम्पशन के लिए क्या चाहिए, नॉन एसी। नॉन एसी है तो एग्जम्पशन मिल सकता है, बट अगेन आप चेक करो कौन से, उन 4 पर्पस के लिए, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, टूरिज्म पर्पस एक्सेट्रा, अच्छा रहेगा, टूरिज्म एक्सेट्रा पर्पस, अगेन नो एग्जम्पशन, 4 मना कर रखा है ना, अदरवाइज उन 4 पर्पस के अलावा कोई हो
तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। तो एग्जम्पशन के लिए क्या चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट कैरिज हो, रेडियो टैक्सी के अलावा हो, नॉन एसी हो और नॉन टूरिज्म पर्पज हो, तो एग्जम्पशन मिलेगा। अब आपस से पढ़ो क्या लिखा है। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, बट एक्सक्लूडिंग इसके ऊपर ये एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होगा। टूरिज्म पर्पज के लिए आपने कोई फॉर एग्जाम्पल आपने कार वगैरह बुक कराई, सारे टूरिस्ट बस बुक कराई, सारे टूरिस्ट कंडक्टिंग टूर, स्कूल किसी टूर पे लेके जा रही है, चार्टर कोई मैरिज थी, पूरी की पूरी बस बुक करा दी, हायर मैंने अपनी बस किसी को किराए पर दे दी, मैंने अपना व्हीकल किसी को किराए पर दे दिया, इन चार केस में एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो एग्जम्पशन कब मिलेगा? कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, नॉन एसी, अदर देन रेडियो टैक्सी प्लस नॉन टूरिज्म पर्पस एक्सेट्रा, तो एग्जम्पशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर? तो फर्स्ट तो दे रखा है एयर बाय एयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन सेलेक्टेड प्लेस, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, और तीसरा मैं यहां लिख लेता हूं सी, अब फिर ऊपर नीचे हो गया, और तीसरा दे रखा है नॉन एसी स्टेज कैरिज, नॉन एसी स्टेज कैरिज। ये स्टेज कैरिज की डेफिनेशन भी मैं आगे ले लूंगा, और स्टेज कैरिज का मतलब होता है ऐसा कोई भी व्हीकल जिसकी जो कैपेसिटी है इट इज मोर देन 12 पैसेंजर, 12 पैसेंजर से ज्यादा हो, एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, भाई ड्राइवर को तो छोड़ दो, उसके अलावा देखो कितने लोग बैठ सकते हैं, 12 से ज्यादा, और वो क्या चार्ज करते हैं? इंडिविजुअल फेयर, फॉर एग्जाम्पल कोई बस हो। स्टेज कैरिज वर्ड कब यूज किया जाता है? आगे डेफिनेशन यहां लिखी नहीं गई है, आगे आ जाएगी। स्टेज कैरिज का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्हीकल ड्राइवर को छोड़कर उसकी कैपेसिटी कितनी है? 12 पैसेंजर से ज्यादा। तो बस फॉर एग्जाम्पल बस क्या होती है? 12 पैसेंजर से ज्यादा। और इंडिविजुअल फेयर लिया जाता है, आपको जोधपुर से जयपुर जाना है, आप बस में बैठे, क्या 12 से ज्यादा कैपेसिटी वाला व्हीकल है? यस। क्या इंडिविजुअल फेयर लिया जाएगा? यस। इज ए स्टेज कैरिज। फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में फंक्शन है, जयपुर से बारात दिल्ली लेके जानी है, दूल्हे के पिता ने कहा चलो बारात लेके चलते हैं, एक बस हायर करी, 50 लोगों को बैठाया, 12 से ज्यादा की कैपेसिटी है, क्या इंडिविजुअल फेयर होगा? नहीं। क्या दूल्हे का पापा खड़ा होकर बस में बोल सकता है टिकट 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 टिकट? नो। या इंडिविजुअल फेयर चार्ज नहीं किया जा रहा है, सो इट इज नॉट स्टेज कैरिज। स्टेज कैरिज का मतलब होता है 12 पैसेंजर से ज्यादा की कैपेसिटी, और उन पैसेंजर से उस जर्नी में इंडिविजुअल चार्जेस लिए जा रहे हैं। पर होने क्या चाहिए? नॉन एसी। इसका मतलब अगर स्टेज कैरिज है और एसी है तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। चलो मैं यहां लिख लेता हूं स्टेज कैरिज, दो हो सकती है एसी और नॉन एसी। एसी देन टैक्सेबल है, नो एग्जम्पशन, जीएसटी लगेगी, नॉन एसी है तो क्या है? एग्जम्प्टेड। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन पर कितना है? बाय एयर इन सेलेक्टेड प्लेसेस। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज कब मिलेगा? रेडियो टैक्सी नहीं हो, नॉन एसी हो और नॉन टूरिज्म एक्सेट्रा पर्पस हो। एंड थर्ड स्टेज कैरिज नॉन एसी, तो एग्जम्पशन मिलेगा। क्लियर यहां तक का? अब आप इसको चाहे तो लिख सकते हो।
ओके ठीक है. सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का हमने एंट्री नंबर 15 डिस्कस किया. अभी नेक्स्ट में 16 की बजाय पहले 17 ले लेता हूं, फिर दोनों की आपको एक कंपैरिजन लिस्ट और बता दूंगा. नेक्स्ट में ले रहा हूं एंट्री नंबर 17. क्लियर? मैं इसको पढ़ रहा हूं फिर एक टेबल बनाऊंगा. एंट्री नंबर 7, पेज नंबर 78, पेज नंबर 78 देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है. सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, कुछ और ट्रांसपोर्टेशन को एग्जम्प्ट कर रखा है. फर्स्ट, बाय रेलवेज इनर क्लास बट अदर देन फर्स्ट क्लास और एसी क्लास. वैसे मुझे समझ में नहीं आया, फर्स्ट क्लास तो हमेशा एसी क्लास ही होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं. और एसी क्लास में भी सेकेंड टायर, थर्ड टायर, ये सब एसी आ सकते हैं. तो अगर आप बाई रेल कहीं जा रहे हो तो एसी में या फर्स्ट क्लास में अगर आप बैठोगे, सेकेंड एसी, थर्ड एसी या फर्स्ट क्लास, तो जीएसटी पे करनी पड़ेगी भाई. बट आप स्लीपर में जा रहे हो, नॉन एसी कोच में जा रहे हो, तो एग्जम्पशन है. तो एसी और फर्स्ट क्लास से अगर ट्रैवलिंग तो जीएसटी लगेगी, अदरवाइज आप रेल से जाओ जीएसटी नहीं लगेगी, सिर्फ रेल का भाड़ा दो, जीएसटी नहीं. दूसरा, मेट्रो, मोनोरेल एंड ट्रेमवे, ये शॉर्ट डिस्टेंस की जर्नी होती है ना. मेट्रो तो आप सब समझते ही है, इसी तरह की ये चीज भी होती है, इंडिया में थोड़ी कम है, मोनोरेल एंड ट्रेमवे. तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं बाय ट्रेन दो जर्नी होगी, लॉन्ग डिस्टेंस तो एसी क्लास या फर्स्ट क्लास के अलावा. जो ट्रेन का जो लोकल कन्वेंस होता है बॉम्बे के अंदर, फॉर एग्जाम्पल कलकत्ता के अंदर, दिल्ली के अंदर मेट्रो, उसके ऊपर भी जीएसटी चार्जेबल नहीं होगी. तो जो लोकल कन्वेंस है बाय ट्रेन, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्ट. तो बाय रेल आ गया. सेकेंड दे रखा है सी और डी, इनलैंड वाटरवेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इनलैंड वाटरवेज. इनलैंड वाटरवेज क्या होता है मालूम? ये बाय वाटर जो हम ट्रांसपोर्टेशन करते ना, शॉर्ट जर्नी, किसी एक रिवर के अंदर, किसी एक कैनल के अंदर, किसी एक झील के अंदर. फॉर एग्जाम्पल आप माउंट गए, माउंट आबू उदयपुर गए, वहां पे एक छोटा सा बोट लिया, एक प्लेस से वहां दूसरे प्लेस पे गए, दैट इज कॉल्ड इनलैंड वाटरवेज, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्ट. तो आप ये कह सकते हैं ना बाई वाटर ये क्या है, लोकल कन्वेंस. बड़ा वेसल से जाते हैं शिप, बॉम्बे से आपको चेन्नई जाना शिप से, तो हम बात कर लेते हैं. नेक्स्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पस इन अ वेसल बिटवीन अ प्लेस लोकेटेड इन इंडिया. तो अगर आप वेसल से जा रहे हो तो भी एग्जम्पशन है, लेकिन कब? जब टूरिज्म पर्पस नहीं होना चाहिए. और दोनों प्लेस कहां होने चाहिए? इंडिया में. मान लो आपने इंडिया से श्रीलंका गए तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. आप बॉम्बे से चेन्नई गए पर पर्पस क्या था, उस शिप में जो जर्नी की थी वो टूरिस्ट पर्पस के लिए गई थी, सब टूरिस्ट को बैठा दिया एक साथ ही, तो भी जीएसटी लगेगी. एग्जम्पशन कब मिलेगा? व्हेन टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड, बोथ प्लेस इन इंडिया प्लस टूरिज्म पर्पस. तो देखो बाई वॉटर भी क्या हो गया, लोकल कन्वेंस एग्जम्प्ट, और लॉन्ग डिस्टेंस में आप कह सकते हो बोथ प्लेस इन इंडिया प्लस टूरिज्म पर्पस, तो एग्जम्पशन. मैं लिखूंगा इसको. हाँ, एंड ई दे रखा है मीटर कैब, ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा. देखो लोकल कन्वेंस के बहुत सारे तरीके हैं. एक तो कैब है, ये यहां पर भी नहीं है. रेडियो टैक्सी कहां लिखा है? मीटर कैब है, ऑटो रिक्शा है, ई रिक्शा है. मीटर कैब तो है ही नहीं, तो मीटर कैब पे जीएसटी लगेगी. आप ओला से बुक कराओ जीएसटी लगेगी, उबेर से कराओ जीएसटी लगेगी. लेकिन मीटर कैब क्या है? एग्जम्पशन. मीटर कैब जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे में आप पुरानी मूवी में देखते हो वो मीटर डाउन करता है, तो जैसे आप उसकी कार में बैठे वो मीटर अप करेगा. आप जर्नी करी, डेस्टिनेशन पे पहुंचे, मीटर डाउन, और मीटर के हिसाब से क्या कर लिया जाएगा? पेमेंट. दैट इज ऑल्सो एग्जम्प्ट.
दैट मीन जहां पेमेंट किसके हिसाब से किया जा रहा है, जितनी जर्नी करी उसके हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से, और उसके लिए मीटर लगा हुआ है। मान लो एक कार है, आप बॉम्बे का एक कार है, आप बॉम्बे में एक प्लेस से दूसरे प्लेस किसी कार में बैठे, उसने मीटर ऑन किया, एक घंटे बाद आप पर्टिकुलर जगह पहुंच गए, मीटर डाउन किया, किलोमीटर के हिसाब से पैसा लिया, एग्जम्प्ट है। बट सपोज करो आपने वो एक कार कहा ड्राइवर को, देख भाई मीटर को छोड़, मुझे पूरे दिन तू बॉम्बे घुमा, शाम को मैं तेरे को एक साथ 2,000 रुपए दे दूंगा, चाहे कितने किलोमीटर घुमा। तो क्या ये मीटर कैप के हिसाब से, मीटर के हिसाब से पेमेंट किया है? नहीं। तो भले मीटर लगा हुआ था कार में, बट इट इज नॉट मीटर कैप, क्योंकि पेमेंट मीटर के हिसाब से नहीं किया गया था। जीएसटी लग सकती है मीटर कैप। दूसरा ऑटो रिक्शा, वो तो आप समझते हैं, ये थ्री व्हीलर चलते ही है। ई रिक्शा, ये जो बैटरी से जो चलते हैं ना रिक्शा, उसको बोलते हैं ई रिक्शा। दे रखा है 4,000 वॉट से कम के बैटरी वाले होने चाहिए। क्लियर? तो देखो, अगर मैं बात करूं एंट्री नंबर 15 प्लस एंट्री नंबर 17, दोनों जगह बात किसकी हो रही है? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की। तो देखो ट्रांसपोर्टेशन के मोड क्या क्या होते हैं। एक तो हम ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं, बाई रोड। एक हम कर सकते हैं बाई एयर। एक हम कर सकते हैं बाई ट्रेन, रेल। और कैसे हो सकता है? रोड हो गया, एयर हो गया, क्लियर, ये हो गया, एक वाटर हो सकता है बाई वाटर। यार थोड़ा ऊपर लिख लूं मैं, थोड़ा ज्यादा हो गया, जगह नहीं मिलेगी फिर स्क्रीन पे दिखेगा नहीं। चलो देखो, ट्रांसपोर्टेशन के मोड कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट बाई रोड, एक आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो बाई वाटर, एक हो सकता है बाई ट्रेन और बाई रेल, रेलगाड़ी, एक बाई एयर और एक लोकल कन्वेंस। लोकल का मतलब ये ऑटो रिक्शा वगैरह। क्लियर? अब देखो बाई रोड, तो हमने अभी पढ़ा था बाई रोड एंट्री नंबर 15 में कौन कौन से एग्जम्पशन थे। तो जो मैं एग्जम्पशन है वो बता देता हूं, बाकी टैक्सेबल। तो एक तो क्या था, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी, तो मैं रेडियो टैक्सी को क्रॉस कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है, प्लस 4 नॉन टूरिज्म पर्पस, एक्सक्लूडिंग टूरिज्म था, नॉन टूरिज्म एक्सेट्रा, चार पर्पस के अलावा। दूसरा एक वो था ना स्टेज कैरेज, 12 पैसेंजर से ज्यादा, सो नॉन एसी स्टेज कैरेज, ये एग्जम्पशन था। इसका मतलब अगर आप एसी बस से जा रहे हो दिस टैक्सेबल। तो जयपुर से आपको दिल्ली जाना है, हाँ इंडिविजुअल फेयर है, 12 से ज्यादा पैसेंजर कैपेसिटी है, तो स्टेज कैरिज तो है, पर आप तो एसी वाली बस लेके जा रहे हो, जीएसटी पे करो, बराबर। दूसरा भाई वाटर में मैं बात करूं तो एक तो लोकल, लोकल को हम क्या बोलते हैं, इनलैंड वाटरवेज, फॉर एग्जाम्पल कोई झील हो, कैनल, रिवर हो। एक हो सकता है वेसल से भी, बट वेसल के लिए दो बातें चाहिए थी, कौन कौन सी, बोथ प्लेस इन इंडिया प्लस नॉन टूरिज्म पर्पस, तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा, अदरवाइज एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो जो जो एग्जम्पशन है पढ़ा रहा हूं इनमें से कई नहीं आ रहे हो तो टैक्सेबल। ट्रेन की बात करूं तो एक तो लोकल हो गई, मेट्रो फॉर एग्जाम्पल एक्सेट्रा, और दूसरा हो गया अदर देन फर्स्ट क्लास एंड एसी क्लास, इसका मतलब स्लीपर वगैरह एग्जम्प्ट है। एयर के लिए ऐसा कोई एग्जम्पशन नहीं है, बट एयर के लिए सिर्फ क्या है, सिलेक्टेड प्लेसेस पे,
सेलेक्टेड स्टेट के अंदर अगर आपका एयरपोर्ट से स्टार्ट होते हो या टर्मिनेट होते हो तो एग्जम्पशन है। लोकल की मैं बात करूं तो एक तो था मीटर कैब, एक था ऑटो रिक्शा और एक था ई रिक्शा। ये 15 और 17 एंट्री के अंदर आपको एग्जम्पशन दे रखे हैं। अगर आप इनमें से कहीं नहीं आते हो तो टैक्सेबल है। आप एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरी से जाओ, एसी स्टेज कैरी से जाओ, टैक्सेबल है। आप वेसल से जा रहे हो किसी और कंट्री में, जीएसटी लगेगी। आप दोनों प्लेस इंडिया में बट टूरिस्ट पर्पज से जा रहे हो, टैक्सेबल है। ट्रेन के अंदर आप एसी और फर्स्ट क्लास टैक्सेबल, बाकी सब एग्जम्प्ट। एयर से सेलेक्टेड स्टेट के अलावा कोई और स्टेट है जहां से जर्नी स्टार्ट या एंड, टैक्सेबल है। एंड लोकल में सारे के सारे एग्जम्प्ट है। इसका मतलब एक चीज याद रखना, रेडियो टैक्सी जीपीआरए सिस्टम वाली ओला वगैरह, ये तो टैक्सेबल होगी, जीएसटी लगेगी, याद रखना है। तो आज जाना किसी के साथ घूमने के लिए, कैब बुक कराना, पता पड़ जाएगा, ठीक है। अब इसको नोट करो, तो इसमें मैंने आपको कंपेरेटिव स्टडी दे दी है 15 और 17 दोनों एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के, दोनों एग्जम्पशन नंबर के। ओके फ्रेंड्स, सो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की हमने दो एंट्री डिस्कस करी, 15 और 17। एक मैं और ले रहा हूं, वो बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकता इंपॉर्टेंट, बट इंटरेस्टिंग है, मैं समझा दूंगा आपको भी। देखिए अब एंट्री नंबर 16, आप अपने हिसाब से लिख देना, मैं आपको समझा देता हूं। एंट्री 16, सर्विस टू गवर्नमेंट लिख लेता हूं, सर्विस to the central government by way of transportation of passenger, clear? Now मैं पढ़ रहा हूं, फिर मैं समझाऊंगा क्यों ये है, क्या है ये। Service provided to central government, only central government, उसी की स्कीम है ये, by way of transport of passenger with or without accompanying belonging सामान के साथ या नहीं, by air embarking from or terminating at a regional connectivity scheme airport, underline कर दो इसको, regional connectivity scheme airport against consideration in the form of viability gap funding, जिसको बोलते VGF, वायबिलिटी गैप फंडिंग। देखिए क्या है ये जो स्कीम लाई थी ना गवर्नमेंट, रीजनल
कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट। कुछ एयरपोर्ट ऐसे होते हैं जहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, मजा आ जाता है लोगों को वहां, एयरलाइंस वगैरह को। पर कुछ एयरपोर्ट ऐसे होते हैं जहां ट्रैफिक कम होता है, भीड़ कम आती है, एक फ्लाइट को जाना है, चार पैसेंजर ही बैठे हैं, तो क्या वो फ्लाइट चलाए, क्या वो बिजनेस करे, नुकसान ही नुकसान है। तो क्या ऐसी जगह कोई भी एयरलाइन अपना फ्लाइट रखेगी, बिजनेस करेगी? नहीं, क्योंकि आप बिजनेस कब करोगे, जब आपको कॉस्ट से ज्यादा रेवेन्यू मिले। तो एयरलाइन वालों ने यह फ्लाइट चलाने से मना कर देती है कि जो हमारी कॉस्ट आ रही है उससे तो हमको बहुत कम पैसा मिल रहा है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट, और इसने और इस स्कीम में गवर्नमेंट ने कुछ एयरपोर्ट को नोटिफाइड कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, और चाहती है कि इस एयरपोर्ट पे ट्रैफिक बढ़े। पर एयरलाइंस वाले तो काम करने से मना कर देते हैं कि हमारी कॉस्ट जो आ रही है वो ही पूरी नहीं मिल रही है, लॉस है, क्यों करें हम बिजनेस। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, ये बिजनेस एयरलाइन वाले ने कहा हमारे लिए वायबल नहीं है, हम ये बिजनेस नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, तुम बिजनेस शुरू तो करो, जो तुम्हारा गैप है वो हम देंगे। तो मान लो किसी एयरलाइन की कॉस्ट आ रही है वहां 10 करोड़, और पब्लिक से रेवेन्यू कितनी मिल रही है, सिर्फ 6 करोड़, 4 करोड़ का नुकसान। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा तुम बिजनेस करो, फ्लाइट चलाओ, 4 करोड़ हम तुम्हें फंड देंगे। क्या लिखा है हेडिंग, वायबिलिटी गैप फंडिंग। ऐसे एयरपोर्ट पर अगर आप अपनी फ्लाइट करोगे, चलाओगे, वायबल नहीं है, कोई बात नहीं, जो गैप है, वायबिलिटी गैप फंडिंग, उसको वायबल करने के लिए जो गैप आ रहा है उसकी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हम देंगे। इसका मतलब इसके अंदर दो पार्टी होगी, हर जगह दो ही होती है, एक सप्लायर, दूसरा रिसिपिएंट। रिसिपिएंट तो कौन होगा, जो कंसीडरेशन देगा वो कौन होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सप्लायर कौन हो सकता है, एनी पर्सन, और ऑब्वियसली ये कौन होगा, दैट इज एयरलाइन कंपनी। क्लियर? तो ये सर्विस कौन सी है, सर्विस क्या है, गवर्नमेंट ने सिर्फ इन्हें क्या कहा है, तुम हमारे लिए काम करो, क्या कि तुम इन एयरपोर्ट के ऊपर अपनी फ्लाइट चलाओ। तो ये एयरलाइन टू पैसेंजर नहीं हो रहा है, वो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर 15 और 17 एंट्री में, वहां कोई एग्जम्पशन था नहीं, सिलेक्टेड स्टेट में था, ये डिफरेंट चीज है। क्या कह रही है गवर्नमेंट, कह रही है भले ही तुम्हारे लिए नुकसान का सौदा है, तुम हमारे लिए ये एक्टिविटी करो, तुम हमारे लिए एक्टिविटी करो, इसके लिए हम तुम्हें क्या पे करेंगे, 4 करोड़ फॉर एग्जाम्पल, जिसको बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो गवर्नमेंट क्या हो रहा है, ये गवर्नमेंट के लिए सर्विस दे रहे हैं, और गवर्नमेंट इसके लिए इनको क्या दे रही है, पैसा। कौन से सर्विस दे रहे हैं, ऐसे लॉस मेकिंग एयरपोर्ट पे भी काम करने के लिए एग्री हो रहे हैं। तो किसी काम को करने के लिए एग्री होना, ये भी तो क्या है, सर्विस ही है। तो क्या रखा है, हम इसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, इट इज एग्जम्प्ट। क्लियर? लेकिन ये एग्जम्प्शन जो है ओनली अप टू 1 ईयर तक ही है, ओनली 1 साल तक के लिए है। लिखा है नीचे, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन दिस एंट्री शेल अप्लाई on or after expiry of a period of 1 year from the date of commencement of operation of regional connectivity scheme airport as notified by Ministry of Civil Aviation. एक साल तक का एक limited period दिया गया है, exam purpose के लिए उतना important नहीं है, but फिर भी ध्यान तो रहना चाहिए। So IPCC पे तो इतना important नहीं है, आप final में आओगे तब हम इसको discuss करेंगे। और लिखिए आप इसको, कुछ भी इसके बारे में लिखना है तो लिख सकते हो।
सो 15, 17 और 16 ये तीन पॉइंट हमने डिस्कस किए पैसेंजर के लिए है. अब हम बात करेंगे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए. तो 15 से लेके 22 तक हमको बात करनी है. ठीक है, ठीक है, ओके. सो दो एंट्री मैं डिस्कस कर रहा हूं, एंट्री 18 एंड एंट्री 19, क्लियर. और ये दोनों बातें मैं कर रहा हूं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सामान के लिए, और दोनों बातें मैं एक साथ ही करूंगा. पहले 18 और 19 में आपको समझा रहा हूं रीडिंग लगा के, फिर एक चार्ट के साथ एक टेबल के साथ मैं दोनों चीजों को मिक्स कर दूंगा. फर्स्ट पेज नंबर 79, पेज नंबर 79 पर एंट्री नंबर 18 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं एग्जम्पशन पढ़ा रहा हूं. तो जो एग्जम्पशन है वो देख लो, अदरवाइज सब क्या है, टैक्सेबल. क्या एग्जम्पशन है? सर्विस बाई वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स By road, तो एक बार तो क्या कह दिया, By road goods transport exempt है, except इसका मतलब ये क्या हो गया, taxable, except service of goods transport agency GTA और courier agency. मजाक कर रहे हैं हमारे साथ. अरे by road जो transportation होता है वो 90% transportation तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी या कुरियर सर्विस ही होता है. कुरियर आप जानते हैं ना, डोर टू डोर, आपने किसी को कोई डॉक्यूमेंट दिया कि यहां से उस सिटी में भेज देना, वहां जाके घर पे जाके डिलीवरी कर देगा, डोर टू डोर, दैट इज कॉल्ड कुरियर सर्विस. क्लियर, एक वर्ड यूज किया जाता है अंगड़िया करके भी, अब आप इसको कुरियर सर्विस ही बोले. तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में फर्स्ट क्या कहा, आप रोड से ट्रांसपोर्टेशन करो सब एग्जम्प्ट है एक्सेप्ट टू. तो GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस, दैट इज जो ट्रक वगैरह लेके बैठे हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी, और कुरियर सर्विस जो देते वो टैक्सेबल होगा. तो भाई 90% पे तो जीएसटी लगी गई फिर, क्योंकि 90% तो रोड ट्रांसपोर्टेशन ऐसे ही होता है. और दूसरा इनलैंड वाटरवेज, तो वेसल नहीं है इसमें, ओनली इनलैंड वाटरवेज है. दैट मीन्स जो शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं ना, किसी रिवर में है ना, किसी लेक में, क्लियर, किसी कैनाल में, वो एक्सेप्ट कर रखा है. नेक्स्ट एंट्री 19, सर्विस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट. सो सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्ट. सिर्फ ये दो एग्जम्पशन है. तो क्या मैं आपको इस तरीके से फिर कह सकता हूं, भाई ट्रांसपोर्टेशन के तरीके क्या होते हैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के, बाय रोड, दूसरा बाय वाटर, तीसरा बाय एयर, फोर्थ बाय रेल, ये चार ही हो सकते हैं. बाय रोड क्या क्या रखा है, ऑल एक्सेप्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और कुरियर सर्विस. इसका मतलब इन पे तो क्या लगेगा, जीएसटी लगेगी, इसके अलावा सब एग्जम्प्ट है. वाटर में सिर्फ किसको ले रखा है, इनलैंड वाटरवेज, ये क्या है, एग्जम्प्ट. इसके अलावा दैट इज जो वेसल्स वगैरह से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एक प्लेस से दूसरा, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगी, यस. थर्ड बाय एयर बात करें तो क्या लिखा था, फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू कस्टम स्टेशन इन इंडिया, दैट इज एग्जम्प्ट. तो इंडिया के बाहर से अप टू कस्टम स्टेशन तक, इसका मतलब बॉम्बे से अगर आपको दिल्ली पे गुड्स भिजवाना है बाय एयर, जीएसटी लगेगी. क्लियर,
नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, बाई रेल। देखना 18 और 19 में क्या रेल दे रखा है भाई, पहले तो बाई रोड है, दूसरा वाटर इनलैंड वाटरवेज है, तीसरे में एयर, रेल तो है ही नहीं। इसका मतलब नो एग्जम्पशन, आप रेल से गुड्स ट्रांसपोर्ट कराओ जीएसटी लगेगी, जीएसटी लगेगी। तो देखो रेल से पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन एग्जम्पशन था एक्सेप्ट फर्स्ट क्लास और एसी क्लास, लेकिन रोड गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एग्जम्पशन नहीं है भाई। एयर की मैं बात करूं तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में कुछ सेलेक्टेड स्टेट से अगर जर्नी स्टार्ट या एंड तो एग्जम्पशन था, लेकिन गुड्स के अंदर क्या कह रखा है, इंडिया के बाहर से अप टू कस्टम रजिस्ट्रेशन तो एग्जम्पशन है। वाटर के अंदर वेसल भी था, दोनों प्लेस इंडिया में हो, एंड इनलैंड वाटरवेज भी था, पर यहां ओनली इनलैंड वाटरवेज है। ये कंपेरिजन आपको समझना पड़ेगा, क्लियर। ये दो और ट्रांसपोर्टेशन के तरीके थे 1918। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, ओके। दो एंट्री और मैं ले रहा हूं, 20 और 21, ये रीडिंग लगाने जैसी है, 20 और एंट्री 21, क्लियर। पेज नंबर 79, ये जो दोनों एंट्री है ये कुछ सेलेक्टेड गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर रही है, क्लियर। क्या लिखा है देखो आप, 20 एंट्री, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्टेन गुड्स बाय रेल और वेसल। कुछ गुड्स अगर आप रेल से भेजते हो या किसी वेसल के साथ भेजते हो तो एग्जम्प्ट है, और एक गुड्स की लिस्ट दे रखी है कि ये चीजें आप रेल या वेसल से भेजो एग्जम्प्ट है। अब ये लिस्ट जस्ट पढ़ लेना, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, न्यूज़पेपर, रेलवे इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन एंड ऑर्गेनिक मैन्यूअर। तो ये आपको 5-7-8 चीजें दे रखी है, अगर आप इसको भेजते हो रेल या वेसल से तो एग्जम्पशन है, क्लियर। ऐसे की ऐसी बात एंट्री 21 ने भी कर रखी है, और वो कह रहा है किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से, बाई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, सेम लिस्ट दे रखी करीब करीब, कुछ डिफरेंस है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से, ट्रक से। फॉर एग्जांपल 21, सर्विस प्रोवाइडेड बाई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाई वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन गुड्स कैरेज, फॉर एग्जाम्पल ट्रक, क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बी और सी मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूं, 2 मिनट के लिए छोड़ दो, बी और सी छोड़ दो, मैं समझाऊंगा। डी, मिल्क, सॉल्ट, ऑर्गेनिक मैन्यूअर, न्यूज़पेपर, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, सारे आइटम है, एक ही फर्क आ रहा है। आप देखो कि 20 नंबर में, 20 एंट्री नंबर 20 में डी है, रेलवे इक्विपमेंट एंड मटेरियल, और वो 21 के अंदर नहीं है, बस इतना ही फर्क है। तो रेलवे इक्विपमेंट या रेलवे मटेरियल अगर आप रेल या वेसल से भेज रहे हो तो एग्जम्प्ट है,
अगर रेलवे मटेरियल या रेलवे का कोई इक्विपमेंट है वो आप गुड्स ट्रक से भेजोगे तो एग्जेम्पशन लिस्ट के अंदर ये आइटम नहीं है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज दोनों के अंदर नंबर ऑफ आइटम सेम है, क्लियर। एक तो ये, दूसरा पॉइंट बी और सी, अब मैं पढ़ रहा हूं बी, गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल गुड्स कैरिज, सिंगल गुड्स कैरिज फॉर एग्जाम्पल पर ट्रक, डज नॉट एक्सीड 1500। इसका मतलब एक ट्रक के अंदर जितना भी सामान लिया ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और जिसके लिए जो किराया चार्ज किया गया है वो 1500 रुपए से ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक ट्रक है, क्या है ये एक ट्रक है, कई लोगों ने अपना सामान जयपुर से दिल्ली भिजवाया, चार लोगों ने, मिस्टर ए ने, मिस्टर बी ने और मिस्टर सी ने, तीन लोगों ने अपना सामान जयपुर से दिल्ली भिजवाया, तो क्या ट्रांसपोर्ट कंपनी इसे रुपए नहीं लेगी? लेगी, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल इसको कहा कि तू 800 रुपए भाड़ा देगा क्योंकि तेरा सामान ज्यादा है, तेरा सामान कब है तू 200 रुपए भाड़ा दे दे, इसको कहा तू 100 रुपए का भाड़ा दे दे, तीनों ने भाड़ा दे दिया। इस ट्रक के अंदर जितना भी सामान ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उसके रेस्पेक्ट में टोटल कंसिडरेशन कितना चार्ज किया गया है? 800, 200, 111 रुपए, 1500 रुपए से कम है। इसका मतलब ये क्या है? एग्जम्प्ट। एक तो ये है। अब सी पढ़ो, क्या लिखा है सी, गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर ए सिंगल कंसाइनी, एक सिंगल पर्सन, तो अंडरलाइन कर दो, फॉर ए सिंगल कंसाइनी। बी में क्या था? इन अ सिंगल गुड्स कैरेज, अ सिंगल ट्रक, और यह सिंगल कंसाइनी, तो भी एग्जम्प्ट है। जैसे मान लो ये एक ट्रक है, थोड़ी बड़ी बना दी है, ट्रक है, ये ट्रस्ट नहीं है, ट्रक लिखा राइटिंग ऐसी है, इसमें भी तीन लोगों ने अपना सामान भिजवाया, ए ने भी, बी ने भी, सी ने भी। ए ने जो सामान भिजवाया उसके लिए 5000 रुपए लिए, बी ने जो सामान भिजवाया उससे 800 रुपए लिए, और सी ने जो सामान थोड़ा सा भिजवाया उससे 700 रुपए लिए। तो कुल मिला के ट्रक ने कितना लिया? 7, 15, 6500। क्या बी वाला एग्जम्पशन मिलेगा? नहीं, क्योंकि पूरे ट्रक में मिला के तो 1500 से ज्यादा का किराया चार्ज हुआ है, ये एग्जम्पशन दोनों ही मिलेगा। सी में क्या? पर कंसाइनी, कि जिन जिन लोगों से तुम भाड़ा 750 रुपए से कम लेते हो वो सब एग्जम्प्ट है। 5000 इसको जीएसटी देनी पड़ेगी, 5000 प्लस जीएसटी, जीएसटी देनी पड़ेगी, बट इसको 750 देने जीएसटी नहीं देनी है, क्यों? लिमिट से कम भाड़ा चार्ज किया गया है। तो ये एक ट्रक के अंदर जितने भी कंसाइनमेंट सबके लिए जो भाड़ा 1500 या कम, एग्जम्प्ट है ऑल सारे। तो ये भले ही पर 800 है, 750 से ज्यादा, इसको भी एग्जम्पशन है, इससे भी जीएसटी नहीं लेंगे, क्यों? ये नहीं तो, ये तो आ रहा है पर ट्रक, तो यहां 750 की लिमिट मत लगा देना, क्यों? क्योंकि एक ट्रक के अंदर टोटल फ्रेट कितना चार्ज किया जा रहा है? 1500 से कम, लेकिन यहां 1500 से ज्यादा चार्ज किया जा रहा है, तो पर पर्सन वाला देख लो, उन छोटे लोगों को छोड़ दो जो 750 से कम दे रहे हैं। तो ये 800 है फिर भी इसको जीएसटी नहीं देनी है, क्यों? सी अप्लाई नहीं हुआ तो क्या हुआ? बी नंबर तो अप्लाई हुआ, यहां बी अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि सबका मिला के 1500 से ज्यादा है। कोई बात नहीं, जिन जिन लोगों पर सी अप्लाई हो रहा है वो ले लो। तो ये जो है ये पर ट्रक एक तरीके से है टोटल फ्रेट, और यहां किसको चेक किया जा रहा है? पर कंसाइनी, पर कस्टमर, कुछ भी कह सकते हो, कंसाइनी वर्ड प्रॉपर वो लिख लेता हूं, क्लियर। तो ये दो बातें और करी गई है, याद रखना इन दोनों में कुछ आइटम मटेरियल गुड्स की लिस्ट दे रखी है उसका ट्रांसपोर्टेशन एग्जम्प्ट है, कितना भी अमाउंट चार्ज करो, और इसके अलावा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के दो आइटम सेलेक्टेड और कर रखे है 1500 और 750 वाला।
ओके सो एक एंट्री और लेनी है ताकि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बात खत्म हो जाए. एंट्री नंबर 22 पेज नंबर 80 पर है. एंट्री 22 और ये जो है ना ये हायरिंग है सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर. अब देखिए वैसे आज मैंने आपको ध्यान में तीन सर्विसेज बताई थी रेंटिंग वाली और खूब सारी ट्रांसपोर्टेशन की बात करी है. तो ये 22 नंबर को चाहे तो आप हायरिंग में भी ले सकते हो क्योंकि यहां पे हम किसी व्हीकल को किराए पर देने की बात कर रहे हैं. और मैंने इसलिए ट्रांसपोर्टेशन में लिखी है क्योंकि जो चीज किराए पर दी जा रही है ना वो कोई ना कोई व्हीकल है. तो दोनों की बातें यहां हो रही है, किसी भी ग्रुप में आप ले सकते हो. तो यहां मैं कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं कर रहा हूं. मेरे पास एक बस है, मेरे पास एक ट्रक है, मैं किराए पर दे रहा हूं. क्लियर आ रहा है समझ में? मैं पढ़ रहा हूं पेज नंबर 80 को. सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग. नाउ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की लैंग्वेज दे रखी है, आप जस्ट रीडिंग लगा देना. नॉर्मली आप कह सकते हैं जो ये गवर्नमेंट की बसेस चलाते हैं ना वो, जैसे हमारे राजस्थान में जो है राजस्थान रोडवेज कॉरपोरेशन करके है. क्लियर. अ मोटर व्हीकल मीन टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर. क्लियर. एंड टू अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अ मीन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं हायरिंग सर्विसेज दे रहा हूं. हायरिंग का मतलब क्या है? रेंटिंग. दैट मीन्स मैं कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता हूं, मेरे पास में मोटर व्हीकल्स है, व्हीकल्स है, मैं किराए पर दे रहा हूं. तो ये भी तो सर्विस है. मेरे पास व्हीकल, मैं आपको किराए पर देता हूं. इट इज सर्विस. क्लियर. मैं आपको एसेट यूज करने के लिए तो दे रहा हूं. तो दो बातें कर रखी है, दो व्हीकल हो सकते हैं. एक गुड्स ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, फॉर एग्जाम्पल बस. एक हो सकता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, सॉरी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, फॉर एग्जाम्पल ट्रक. और एक हो सकता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, फॉर एग्जाम्पल बस. अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल किराए पर देना है तो आप किसको दोगे? तो एग्जम्पशन मिलेगा स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, तो एग्जम्पशन मिलेगा. मान लीजिए आपके पास में एक बस है, मेरे को किराए पर दे दो, मैं किराए पर चला लूंगा, मैं ट्रांसपोर्टेशन का काम करूंगा, तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. आपको अपनी बस किसको किराए पर देनी है? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को. मान लीजिए आपके पास में गुड्स ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है, ट्रक, तो ये एग्जम्पशन, ये किराए पे किसको दोगे? टू अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी. ये तो ठीक है. आपके पास में एक ट्रक है, पांच ट्रक है, आपने कहा यार मैं ट्रांसपोर्टेशन का काम बंद कर रहा हूं, परेशान हो गया हूं, अब ट्रक का क्या करूं? मैं ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा हूं, आपने ट्रक मुझे किराए पर दे दी, तो आपने गुड्स ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल किसको किराए पर दिया है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को. इट इज एक्सेम्प्ट. तो क्या मैं जीएसटी लूं? नहीं. मैं आपसे सिर्फ क्या लूंगा? किराया. आप मुझसे क्या लोगे? किराया. आप ट्रक दे रहे हो ना, मैं किराया आपको दूंगा. सिर्फ क्या चार्ज होगा? ओनली किराया, जो उस ट्रक को यूज करने के लिए जो रेंट है वो, जीएसटी नहीं. उसी तरीके से कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है तो किसको? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, तो एग्जम्पशन है, और किसी को दोगे तो नहीं. तो याद रखना यहां कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं हो रहा है, मेरा कोई व्हीकल है, मैं किराए पर दे रहा हूं. तो किराए की हमने बहुत सारी बातें करी थी. एक रेजिडेंशियल हाउस रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, एक कोई चैरिटेबल प्लेस जो प्लेस है, रिलीजियस प्लेस है, वो किराए पर दे रहा है, ट्रस्ट दे रहा है. एक होटल में भी तो रूम किराए पर है, वो भी था. एक व्हीकल भी किराए पर है. तो इस तरह की बातें की गई है. ठीक है, आप इसे लिखिए.
ओके फ्रेंड्स, सो आप लोग पढ़ के आना, ये लेक्चर मैं यहीं कंप्लीट कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे। सारा चैप्टर तो मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया इसमें, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में अगले एग्जम्पशंस लूंगा। आने वाले एग्जम्पशंस में कुछ इंपॉर्टेंट होंगे और कुछ ऐसी होगी जो अलग अलग गवर्नमेंट ने स्कीम के दे रखी कि ये स्कीम के सारे एग्जम्पशन हम आपको दे रहे हैं, वो जस्ट रीडिंग के लिए होगा, एक्सप्लेनेशन जैसा उसमें कुछ नहीं होगा। तो काफी चीजें तो जस्ट आपको रीडिंग लगानी है, मैं आपको दे दूंगा। कुछ जगह मुझे अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है, करूंगा। ठीक है, पढ़ के आना आप लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा।